उषा रोड सीपी स्टडी सर्कल ऑन टुडेज वेबिनार ऑन अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज द पेनल्टी प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑन दिस सब्जेक्ट आवर ओन एंड वेरी वेरी रेस्पेक्टेड ब्रदर एडवोकेट सीए कपिल गोयल जी विद अस आई वेलकम यू सर आई ऑल्सो वेलकम सुनील धमीजा जी रामदेव काकड़ा जी हेमंत पावा जी अतुल पुरी जी एज ए पैनलिस्ट एंड ऑल द अदर मेंबर हु जॉइंड अस फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री एंड एज यू नो दैट आफ्टर द कंप्लीटिंग द असेसमेंट ऑर्डर द डिपार्टमेंट इज सेंडिंग द पेनल्टी प्रोविजन नोटिस एंड हाउ टू रिप्लाई एंड हाउ टू सेव अवर क्लाइंट फ्रॉम सच हार्श प्रोविजन आई कैन आई वुड से द हार्श प्रोविजन पेनल्टी प्रोविजन तो वी हैव रिक्वेस्टेड यस्टरडे आवर कपिल जी कपिल जी वॉज रेडी यस्टरडे ऑल्सो बट आई रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज अप्राइज अस टुडे तो कपिल जी ऑल्सो एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन फॉर टुडे अदरवाइज ही वॉज रेडी यस्टरडे तो ही इज ऑलवेज रेडी टू अस तो विद दिस आई वंस अगेन वेलकम यू सर एंड ओवर टू यू सर थैंक यू राजेश भाई हरे कृष्ण राधे 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 सर अति प्रिय और अति स्नेही राजेश भाई और भक्त वत्सल और भक्त शिरोमणि और उनकी छाया में हमारे जैसे लोग जो बहुत नीचे हैं राजेश बाबू तो और मेरे से बड़े हमारे सीनियर अकरा साहब पुरी साहब तमीजा जी हेमंत पावा जी और मेरी 97 फ्रेंड्स एवरीवन हु इज जॉइंड अस दिस इवनिंग in this program on penalty provisions. It's always delightful when I meet my good friends here. At least I am able to get more blessings and more richer by way of blessings. I always say, Radheji. It requires no repetition, I believe, but still I say, my wealth, which is at X level, goes up, Dhamija ji, by your blessings, all of your blessings, sir. So, Rajesh bhai called me. You know, Dhamija ji, how it happens. Our high courts Delhi High Court have opened on last day. His call came the last day ki seminar rakhna hai. So it house ki June mein abhi, I believe vacation was going on. June, I believe we met in first week of the June somewhere. My yes, sir. Yes, sir. So that we discussed ki whether we have to go to in writ or whether we have to file appeal. That was our last discussion. Yes, sir. So... now in this particular seminar, you have given me the duty to discuss about this penalty provisions. You know, Rajesh bhai, I was just as a student of law, scrolling around, with that how much occupied or populated is the right one. How much populated is the chapter 21 in the Income Tax Act dealing with penalties? Chapter 21, sir. I was just looking at the book in the Income Tax Act book, just to refresh my own understanding, how much there are the sections now. Now, chapter 21, if somebody goes and it starts from section 270, was omitted 270A, and Rajesh Babu, it goes up to 275. In between, you will say, Mr. Goyal, 278 to 275, five sections. No, it's not like that. All these sections, Pavaji, are in A, B, C, D, E, F, or uske baad double A, triple A, double A, B, A, C, A, D, etc., etc. Are you getting my point? And I don't want to bore you at this evening, but you see how this penalty chapter is structured. Dhamija ji? Correct. This is very interesting to know. The structuring is like this. आपने ग्रेट बोल दिया धमीजा जी इसलिए आई एम गोइंग डीपर नाउ 278 270AA 271 271A 271AA 271AAA 271AB 271AC 271AD 271A now 271B now you see राजेश भाई ये जो A के साथ फिर उसका नीचे A का विस्तार B के साथ B का विस्तार C के साथ C का विस्तार आप समझ रहे हैं 271D के साथ दमीजा जी D का विस्तार तो ये जो पेनल्टियां हैं और हर एक बजट में पूरी साहब हर एक बजट से कोई ना कोई पेनल्टी का प्रावधान नया ऐड हो जाता है साहब तो इससे ये साबित होता है कि हमारे यहां पेनल्टी के सेक्शनों की बहुत ज्यादा भरमार है और दूसरी बात
इनकम टैक्स एक्ट को राजेश जी कई कई जगह ऐसा ऐसा फील होता है कि जैसे सीधा किसी पे पेनल्टी लगा दो, ऐसा भी होता है कि जैसे आप किसी के यहाँ सर्च करने गए, आपको पता चला इसने कैश ट्रांजेक्शन कर ली, आपने लिया और उसके ऊपर सीधा सेक्शन 269SS, 269T, 269ST, ये सब भाई बहन है, सिबलिंग्स है, ये सब इसी चैप्टर में है सर। नहीं, ये आगे, ये इसी चैप्टर में है ये सब। अब आप सोचिए कि इससे पहले वाले में, सॉरी, वो उससे पहले वाले में एक जो पेनल्टी वाला ये है ना 269SS वगैरह वाला सर, ये इससे पहले वाले चैप्टर है उसमें है, दैट इज द चैप्टर 20B। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है धमीजा जी, ये 269ST और 269T ये किसमें, चैप्टर 20B में। और जो बाकी की पेनल्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो चैप्टर 21 में है, इफ आई एम विद यू। तो 20B वाली पेनल्टीज स्पेशल पेनल्टीज हो गई कुछ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 20B पे, रिक्वायरमेंट एज टू मोड ऑफ एक्सेप्टेंस पेमेंट और रीपेमेंट इन सर्टेन केसेस टू काउंटरैक्ट इवेजन ऑफ टैक्स, उस चैप्टर की हेडिंग है इवेजन ऑफ टैक्स को रोकने के लिए 269SS वाले की। और जो दूसरा वाला चैप्टर है जिसमें ज्यादा पेनल्टीज की सारा मेन है, उसमें लिखा है पेनल्टीज इम्पोजेबल। अब आप एक बात सोचिए कि राजेश बाबू पेनल्टी का कंसेप्ट का मतलब क्या, व्हाट इज व्हाट पेनल्टी। मैं अभी एक बार आप लोगों से बात करते करते ना, जो लीडिंग है उनसे उसका मतलब निकाल रहा था कि पेनल्टी को डिफाइन कैसे किया गया है सर वेरियस कोर्ट्स के द्वारा। तो जैसे देखिए कि मतलब पेनल्टी से क्या मतलब हुआ, आप पेनल्टी से क्या समझते हैं दमीजा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेनल्टी। सर पेनल्टी इज समथिंग पिनल इन नेचर, ये नहीं करोगे तो ये पेनल्टी लग जाएगी। नहीं नहीं दादा पावा जी, इसमें एक गैप आ गया, सॉरी विद यू रिस्पेक्ट, कि इसमें ये आ गए, आपने कहा कि मिस्टर गोयल अगर आपने ये नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी, तो इसका मतलब वो पेनल्टी चाहे भले ही आपने डेलिबरेट ऑफेंस डेलिबरेशन से किया हो, जानबूझ के या वैसे आपसे गलती से हो गया हो, अनइंटेंशनली इनएडवर्टेंटली या क्या बोलते हैं उसको, अनइंटेंशनली इनएडवर्टेंटली या आपसे बोनाफाइडली कोई रेड लाइट जंप हो गई, तो भी आपको क्या पेनल्टी देनी है। नहीं, इंटेंशन इज मस्ट, इंटेंशन। अब आप डेविएट करके दादा यहाँ पर, पहले आपने बोला कि गोयल साहब मैं आप ही की बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपने पहले बोला कि मिस्टर गोयल अगर आपने ये काम ऐसे नहीं किया तो आपको पेनल्टी का भुगतान करना है, फिर आपने बहुत अच्छी बात ऐड कर दी कि मिस्टर गोयल उसमें ये बात देखी जानी जरूरी है कि वो इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, एडवर्टेंट था या इनएडवर्टेंट था, मतलब बोनाफाइड था या डेलिबरेट था। सो एक एंगल तो ये आया कि पेनल्टी बाय इटसेल्फ जनरली हैज दिस कॉनोटेशन कि उसमें एक डेलिबरेट इंटेंशन होनी चाहिए उस रॉन्ग को करने के अंदर, मेंसरिया। हाँ, नॉट मेंसरिया स्ट्रिक्टली सर, मेंसरिया के ऊपर जाने, मेंसरिया एक बड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, मैं मेंसरिया को यहाँ नहीं लाऊंगा क्योंकि आई एम माइंडफुल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क रूलिंग्स जो दिलीप शॉप के बाद आई थी, समथिंग वो कौन सा टेक्सटाइल प्रोसेसर था, वो धर्मेंद्रा टेक्सटाइल प्रोसेसर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-judge bench ने बोला था इनकम टैक्स के लिए और टैक्स लॉ की पेनल्टी के लिए दमीजा जी, जस्टिस पसायत का ऑर्डर था कि ये जो मेंसरिया वाला कंसेप्ट है ये टैक्स लॉ की पेनल्टी पे नहीं लगता है, पर पवा जी ये बात ठीक है नहीं लगता क्या, पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया हो, कोई वायोलेशन कर दिया हो, कोई ब्रीच कर दिया हो, कोई व्हाट यू से गलत एक्ट कर दिया हो, तो करने के पीछे उसकी दूर दूर तक उद्देश्य ये नहीं था करने का, वो उससे गलती से हो गया, उसने कभी भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, तो क्या उसको पेनल्टी के लिए बाध्य किया जा सकता है। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज पे टीडीएस, आपके सामने एक स्थिति है कि साहब आपको टीडीएस कैसे काटना है, कितना काटना है और किस सेक्शन में काटना है और काटना है या नहीं काटना है, और आपने एक बोनाफाइड ओपिनियन लिया कि नहीं काटना है। लेट अस से इस बात के ऊपर दो व्यूज थे कि एक कहता है काटना है, एक कहता है नहीं काटना है, और कोई कंफर्म्ड व्यू सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशियल हाई कोर्ट का नहीं था जो कहता है काटना है, और आपने दमीजा जी एक बोनाफाइड व्यू लिया नहीं काटना है, तो क्या आप पे पेनल्टी लग जाएगी टीडीएस ना काटने की वजह से सेक्शन 271 कैपिटल सी में। अब बहुत सारी पेनल्टियों के लिए, इसलिए राजेश भाई पेनल्टी का ये जो चैप्टर है ना, इसकी स्ट्रक्चरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक तो ये हो गया पावा जी, एक पॉइंट हो गया कि आपने ऑफेंस किया नहीं किया जो सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो ऑफेंस ही आपने नहीं किया सर तो पेनल्टी लगने का मतलब ही पैदा नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं धमीजा जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करी नहीं, वो इनकम ही नहीं है आपकी, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है अंडर रिपोर्टिंग की। नो,
दमीजा जी कुछ नहीं कह रहे हैं, दमीजा जी चुप है, पता नहीं आज उनके भाई साहब दमीजा साहब के सिग्नल्स थोड़े वीक आ रहे हैं, मेरे को रेड नजर आ रहा है, तो शायद दिक्कत आ रही है उनको। सर मेरी आवाज आ रही है दमीजा जी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी कमी मेरा सबमिशन ये था कि जैसे पेनल्टी के अंदर बाबा जी देयर आर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, पहला इंग्रेडिएंट जो आप हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या आपने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया भी है या नहीं किया है जो उस सेक्शन में है। मान लीजिए पता चला वो ऑफेंस ही नहीं किया आपने और बात हो रही है पेनल्टी लग जाए आपके ऊपर, ऐसा होना चाहिए? कभी भी नहीं हो सकता। मतलब उस सेक्शन के अंदर जिसमें आप पे पेनल्टी लग रही है, जिसके लिए पेनल्टी लग रही है, वो रॉन्गफुल एक्ट अगर एसएससी ने नहीं किया, अच्छा ये साबित कौन करेगा कि वो रॉन्गफुल एक्ट आपने किया है? एसएससी। अरे सर ये कैसे, ये ठीक है राजीव भाई, ये कैसे हो सकता है? डिपार्टमेंट 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 सर आप नेगेटिव कैसे प्रूव करोगे कि मैंने नहीं किया? वो पहले बताएगा कि आपने ये ऑफेंस गलत किया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उदाहरण सर, जैसे ओनस इज ऑन द एसएससी टू प्रूव कि ही इज नॉट गिल्टी। नो नो नो, ओनस इज ऑन द रेवेन्यू फर्स्ट, प्राइमरी ओनस इज ऑन द रेवेन्यू टू एस्टैब्लिश दैट द ऑफेंस व्हिच दे आर एलिजिंग एसएससी हैज डन इज डन बाय द एसएससी विद रेफरेंस टू मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। Supposingly they say you have taken some cash loan. Supposingly they say you have repaid some cash loan in violation of 269 SS or 269 T. Supposingly they say that you have received some amount in violation of 269 ST more than that prescribed amount. So who will prove this? When you are being given show cause for imposition of penalty, then who is to prove that whether you have done that offense or not? This is my question. Revenue Department. Yes, which they rarely do. This is where I wanted Dhamija Saab also to interject. Saab, how many cases you have seen where Income Tax Department proving its case that assessee has done this offence, so we are initiating penalty under this particular provision and issuing this show cause notice. You take anywhere, start from anywhere. Let us start from section 270 capital A under reporting of income and misreporting of income. They believe every variation of the income in the return income is ipso facto under reporting. And some people, some great revenue authorities believe, it is always misreporting. Because they believe to always go into the highest floor in the building. You know, Rajesh, how it happens. Because misreporting gets 200% amount of penalty and underreporting gets 50% lesser amount. So department, many cases we have seen Dhamija ji in the assessment order which they have passed, they have initiated penalty under section 270A under head misreporting directly. Whereas even it is does not falling under reporting. That's why I started with this basic concept ki how we understand the word penalty. Is it like tax? Is it like interest or is it something different from that? Sir, tax is different, interest is different, and penalty is different. Even if you read the definition of what tax in the Income Tax Act, Rajesh Bhai, tax does not include penalty as such. Am I right, Dhamija ji? Correct. So tax is different, interest is different, penalty is not at same par with the tax and interest. So A point is this, if we have to explain to any person and make our submission that how penalty is different from tax and interest, the law in the entire Income Tax Act especially, you will never find that tax and interest and penalty are capped at the same place. Second point is this, sir, penalty is independent proceedings and penalty is for deterrence effect. That just to see that people do not do wrong acts, do not do tax evasion, etc. But that does not mean, Pavaji, penalty is for tax recovery. It's like revenue collection. Can you say penalty is like revenue collection? No. So penalty is different from tax and interest. Penalty is not like revenue collection. Secondly, burden to prove that assessee has done some default. First, particular offense. See, in all sections, we have many times discussed. If you want to initiate penalty under a particular provision, Rajesh Bhai, then particular offense of that section, the jurisdictional condition of that section, that particular offense I have done, I fall in that has to be established by the department. Department. So you cannot presume and assume that every case by default falls under penalty head. This is a very wrong notion.
कि दैट इफ आई गो फार स्ट्रेच इट फार दमिंजा जी दे से समटाइम रेवेन्यू अथॉरिटीज कि दैट एवरी केस वेयर इनकम इज एडेड वेरिड और लॉस इज रिड्यूस्ड और इनकम इज अपवर्ड वेरिड देन इट मींस दैट एसएससी इज गिल्टी ऑफ पेनल्टी एंड इज टू गिल्टी ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड गिल्टी ऑफ मिस रिपोर्टिंग एक्सेट्रा 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 द लॉ इज नॉट दैट फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव ए बेसिक एग्जाम्पल many times what happens the majority assessee has to assessee does not maintain books also and if you don't have books rajesh bhai can you get them audited no who has the magic power to get those books when books are not there can get them audited is it possible papa ji okay no. What you are talking but I mean talking in a context you will appreciate department has imposed penalties under section 271 capital a and 271 capital b when they have imposed the penalty under 271A for non-maintenance of books, how can there be penalty of non-audit under 271B? Very right. Thoda na hoga. Abhi dusra example sunye. If you have not deducted tax, Rajesh bhai, can you be levied penalty for non-issue of TDS certificate? No. Aap kahenge, Gul sahab, aapko kya ho gaya? Kaisi baatein kar rahe? But this is happening. So I am discussing this with you. Ki that one first offense makes the second offense zero. See, I have not maintained books. Then nothing else. Only penalty which can be levied is section 271 capital A. Please note my point at the beginning. Should I repeat this? If an SSE is not maintaining books of accounts and he is being levied penalty under this section 271 capital A, and SSE accepts this and happily pays this penalty because the amount of that penalty, I believe, is not too much. How much is that amount? I will tell you, sir. You must be knowing all of it. 25,000. Yes, sir, 25,000. But I'm just rechecking myself. Sorry. Where without prejudice to this 270A or section 271, if any person fails to keep and see how 271A is Pawaji worded without prejudice to provision of 270A or 271. Why? 270A is for under-reporting, misreporting. 271 is for concealment and inaccurate particular. So that is exceptional. Now, it says if any person fails to keep and maintain any such books and other documents as required under section 44AA, the rules or the rules made there under in respect of any previous year or retain such books, the AO or the commissioner appeals, joint commissioner may direct the penalty shall be paid of 25,000. Right. Now, if the books is not there, then how can audit penalty be there? How can that under... See, I'm coming to a more serious point, Dhamija ji, now. You know, latestly, Honorable FM, although I don't know whether I have discussed, Rajesh bhai, aapke yahan ye wala penalty wala section hamara discuss hua tha, khatarnak. And I don't know in what is the practical position in all of your cases, 271AAD, penalty for false entry and omitted entry in books of accounts. This is a very dangerous section. 271AAD. R. Isko hum 271R bol rahe hain. R samajhte hain na aap? आड़ होती है हमारे यहाँ तो आड़ है राजेश भाई ये 271 आड़ इसमें पेनल्टी किसकी लगती है फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री और इसमें कितने रुपए की पेनल्टी लगती है जितने रुपए की एंट्री है फॉल्स एंट्री का अमाउंट और ओमिटेड एंट्री का अमाउंट और एक कब लगती है जब आपकी किताबों में कोई फॉल्स एंट्री पाई जाती है और ओमिटेड एंट्री पाई जाती है मेरा प्रश्न ये है कि किसी के पास किताबें ही नहीं है उसके पास फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री की पेनल्टी लग सकती है जी क्या जिसके पास किताबें नहीं है जिसकी डिपार्टमेंट मान रहा है किताबें नहीं है क्या उस पर फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री की पेनल्टी लग सकती है 271AD के अंदर नहीं मैं अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता हूँ 44AD जिसमें बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे आप प्रिजम्प्टिव इनकम में दिखा रहे हैं वहां ये सेक्शन लग पाएगा नहीं लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए सी लगता है हाँ डिपार्टमेंट तो अभी यही पापा जी डिफरेंस आ गया जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो ये है कि पेनल्टी इज नॉट इक्वल टू रेवेन्यू कलेक्शन पेनल्टी हैज टू बी इम्पोज्ड इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन लाइट हार्टेड मैनर इन रूटीन केसेस बट आवर एक्सपीरियंस दमिजा जी इज डिफरेंट प्रैक्टिकल इट सेज वेयर एवर दे फाइंड एनीथिंग अगेंस्ट द एसएससी और डन बोनाफाइड इवन बोनाफाइडली बाय द एसएससी दे कम ऑन पापा जी एंड इम्पोज पेनल्टी Can you imagine? Rajesh bhai, penalties have been, I have seen in my practical career. Even when department, see, there is a different angle of penalty. Just before I go into the sections by sections. Rajesh bhai, I want to discuss a very important point. One point I have discussed. Mm-hmm.
penalty first burden to prove is on the department that assessee has done that particular offense or assessee's act or conduct falls in that. Without that, you can't say that every act somewhere falls in some penalty and some penalty has to be imposed in some case always. Not way I understand with all due humility. Second point is this, that penalty is not equal to tax and interest. For somebody to leave a penalty on me, they have to do the groundwork, they have to do the homework, they have to do the foundational work, they have to bring my case within the four corners of that section. If my case does not fall in the four corner of that section, you cannot say that by default this case comes in this. There is no such law. I don't know. Anyhow, my second point I want to discuss is, Radhishyamji, that here there is a different issue now. Many cases, Dhamijaji, where it is happening like this, that assessee's conduct does not have any effect on the revenues exchequer. Let us say, if you have to report certain thing, but that's an exempt income, and department accept it is an exempt income, or it is non-taxable, or no tax is recoverable on that, can just by mere non-reporting of something which is not which is exempt, can result into penalty? Or for that matter, where department is not getting any revenue, let us say, if you have not filed any particular return or statement, and in that return or statement, admittedly, sir, Rajesh bhai, there is no, what you say, tax liability. And you know, I believe now, Dhamijaji, the law is this, that in section 139, all companies are supposed to file return of income, irrespective of income. All companies, hai, Papaji? All companies are supposed to file ITR. So if all companies are supposed to file ITR, let us say a taxpayer is there who is not filing the return of income, though mandatorily supposed to file the return, but no prejudice and no effect to the revenue. Can penalty be levied in those cases where there is no harmful impact on the revenue, Rajaji? Tell me, sir. There are hundreds of thousands of cases where penalty is being levied, Rajesh bhai, where there is no effect to the revenues exchequer. I think the penalty cannot be levied when there is no effect on revenue. But there are hundreds of thousands of cases which we duly today see also. See, yes, that's why Pavaji's first statement was innocuous and but very naive. Where he said ki aapne koi galat kar diya, chahe uska kya impact pada revenue pe, ye nahi dekhenge aap. Sir, oh. Pavaji said according to department. Pavaji ne bahut achhi baat kahi thi, wo baat unke shabdon mein bilkul sahi thi. अपनी जगह से उस दृष्टिकोण से कि डिपार्टमेंट के एंगल से पेनल्टी का मतलब यह कि आपने कोई भी चाहे गलत काम कर दिया चाहे उसमें डिपार्टमेंट का कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ इट इज इररिलेवेंट टू देम बट आई एम टेलिंग यू पावाजी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू माय अंडरस्टैंडिंग इन ऑल पेनल्टीज लेट अस से सेक्शन 269 ST इफ यू हैव टेकन एनीथिंग इन कैश अबव दैट अमाउंट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन 269 SC 2 लाइक आई बिलीव नाउ इफ यू टेक दैट अमाउंट But there is no prejudice because you have already offered it for tax or there is no revenue which can be you have harmed. Can penalty be levied for sake of levy of penalty? That's my question to all of you. So one argument we were discussing burden to prove that penalty is levable, first hand burden. The revenue. Second, I am saying that in those cases where there is no prejudice, now it is known as Rajesh bhai theory of no prejudice, no impact on the revenues exchequer. There are many cases where there is no effect on revenues exchequer. मतलब revenue के coffer पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस assessee के गलत काम से तो वहां courts का कहना ये है Supreme Court का 83 ITR 26 सबसे landmark order है राजेश भाई ये सब note कर ले Hindustan Steel Limited versus State of Odisha 83 ITR 26 ये आज भी good law है और इस law का मतलब ये था Supreme Court के judgment का कि अगर किसी से कोई ऐसा breach हो गया जिस breach से कोई government के कॉफर्स पे फर्क नहीं पड़ता है तो पेनल्टी नहीं लगेगी चाहे आप उसको किसी भी नाम से बोले जैसे आप किसी पेनल्टी को बोलते हैं कंसीलमेंट पेनल्टी किसी पेनल्टी को बोलते हैं इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी किसी पेनल्टी को आप बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी किसी पेनल्टी को हम बोलते हैं मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी बट उनका अंडरलाइन डिनोमिनेटर क्या है वर्ड पेनल्टी और उस पेनल्टी वर्ड पे वो सारे गुण अपने आप आ गए जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी इतनी देर तक कि उसमें चाहे वो मैं एलिमेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशन तो होनी चाहिए ना कि उसका उसका उसने वो बड़ा केयर फ्री मैनर में काम कर रहा है मस्त मौला की था उसको परवाह ही नहीं है एक आदमी हुआ है उस पर पेनल्टी लग सकती है उसको नहीं बचाया जा सकता सॉरी जो पर बड़ा सावधानी से काम कर रहा है विद्वान लोगों की मदद भी ले रहा है और अपने आप को भी राजेश भाई
सावधान रख रहा है, कॉशन रख रहा है, और उससे गलती से कोई रेड लाइट जंप हो जाती है और वो हैबिचुअल ऑफेंडर भी नहीं है। एक और क्राइटेरिया दे रहा हूं आपको, हैबिचुअल ऑफेंडर वर्सेस जैसे हैबिचुअल और वन टाइम। अब आप बाबा जी सोचिए कि जो जिसका काम जो बार बार गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है, एक तो वो हो गया, और एक जिससे एक बार गलती होगी लाइफ टाइम पे, दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में डालेंगे, अलग अलग डालेंगे, अलग अलग ही तो लिख लीजिए ये बात भी अलग। पेनल्टी का रिप्लाई बनाते वक्त ये सब चीजें आएंगी कि बर्डन टू प्रूव किस पे है, पहला पॉइंट दमीजा जी, पहला पॉइंट बर्डन टू प्रूव, दूसरा पॉइंट आप क्या उस सेक्शन में फॉल करते नहीं करते, वो सेक्शन आपको कवर करता नहीं करता, तीसरा पॉइंट कि क्या डिपार्टमेंट का आपने क्या नुकसान किया उस वॉयलेशन से, इंपैक्ट ऑन द रेवेन्यूज एक्सचेकर, चौथा पॉइंट कि क्या आप रेगुलर ऑफेंडर है या आपसे गलती एक बार हो गई राजेश भाई, फिर पांचवा पॉइंट लिखिए कंडक्ट, अगर आपने अपने आपकी गलती बिना डिपार्टमेंट के पकड़े हुए सुधार ली बिफोर डिटेक्शन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। जैसे आपने ड्यू डिलिजेंस करी, आपको लगा कि आपसे टैक्स देना रह गया और आपने खुद जाकर स्वयं टैक्स और ब्याज दे दिया, फिर डिपार्टमेंट ने बाद में जाकर आपको 148 दिया, तो आप पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको चारों खाने चित करके दीवार तक ला गया तब आप सरेंडर कर रहे हैं, तब आप पे पेनल्टी लग जाएगी। दैट इज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन मैक डाटा 358 आईटीआर 593, डिपार्टमेंट के पेपर का ऑर्डर है 358 आईटीआर 593। वहां क्या फैक्ट्स थे कि जहां डिपार्टमेंट ने एसएससी को कॉर्नर कर दिया था, सर्वे भी हो गया था, उसके बाद उसकी असेसमेंट भी हो गई थी, असेसमेंट के शोकॉज भी आ गया था, तब भी उसने सरेंडर लास्ट में जाकर किया। तो कहने का तात्पर्य है कि पावा जी डिटेक्शन, वॉलेंट्री सरेंडर, वॉलेंट्री करेक्शन, वॉलेंट्री सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर रहे हैं पांच, ये बर्डन टू प्रूव सेक्शन आप पे अप्लाई करता नहीं करता, आप हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये पांचवा पॉइंट जो मैंने बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है डिटेक्शन। तो राजेश भाई ये सारी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है मैंने आपको बोर नहीं किया, मैंने अलग स्टाइल से बताया, इस पे हजारों जजमेंट्स आ चुके हैं, डिटेक्शन वाली बात पे भी, हैबिचुअल ऑफेंडर वाली बात पे भी, सेक्शन आप पे अप्लाई करता नहीं करता, बर्डन टू प्रूव वाली बात पे भी, और ये सारी बातों का निचोड़ यही है कि पेनल्टी इज नॉट लाइक टैक्स एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी इज नॉट लाइक रेवेन्यू कलेक्शन, पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज इन जनरल एंड रूटीन मैनर, पेनल्टी हैज टू बी इम्पोज इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस। आई हैव ऑलवेज से कि डिपार्टमेंट जो हम कोर्ट्स के रूलिंग से सीखते हैं, लिटिगेशन में जाकर जो रिलीफ मिलता है वो फर्स्ट लेवल पे नहीं मिलता। तभी ऐसा हुआ दमीजा जी, एक आदमी के केस में एक ही चीज के ऊपर कई बार पेनल्टी लग गई। आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो रहा है, अभी आपको बताता हूं कैसे हो रहा है, लाइव एग्जांपल देता हूं अभी आपको। देखिए सेक्शन 270 है, जिनके पास एक्ट है हमारे दोस्तों के पास, थोड़ा सा चर्चा को क्लास वो अपनी उसको वो करने के लिए, सेक्शन 270A जैसे जो सबसे पहला सेक्शन है पेनल्टी के चैप्टर में 21 में 270A, पावा जी बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है ये, और ये सेक्शन हमारे जेटली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उसको इनकम टैक्स एक्ट में डाला था, और ये इस सेक्शन ने उसको रिप्रोड्यूस रिप्लेस कर दिया था कंसीलमेंट वाले वाले सेक्शन को और पेनल्टी वाले सेक्शन को, इनएक्यूरेट पर्टिकुलर वाले। तो इस सेक्शन की हेडिंग क्या है, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मैं हमेशा मानता आया हूं, कई बार आपको आप लोगों को मैंने बोला है कि जो सेक्शन की हेडिंग होती है वो बताती है कि उसका बहाव किस तरफ है, जैसे एक नदी का बहाव होता है ऐसे एक सेक्शन का भी बहाव होता है। आपको अगर सेक्शन का बहाव देखना है दमीजा जी, तो आप कैसे देखेंगे, आप उसकी हेडिंग से पढ़िए उसके माथे पे क्या लिखा है, ये इररिलेवेंट है। ये व्यू किसके लिए है, डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब के, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, कि मार्जिनल नोट हेड नोट ऑफ ए प्रोविजन टेल्स द ड्रिफ्ट ऑफ द प्रोविजन, ड्रिफ्ट ऑफ द प्रोविजन मींस द फ्लो ऑफ द प्रोविजन, डायरेक्शन ऑफ द। सो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग, तो हेडिंग में ही वर्ड आ गया राधेश्याम जी पेनल्टी, इट इज नॉट, हेडिंग में पेनल्टी आ गया, और पेनल्टी भी तब जब अंडर रिपोर्टिंग हो गई या मिस रिपोर्टिंग होगी। मान लीजिए अगर किसी केस में अंडर रिपोर्टिंग भी नहीं है धमीजा जी और मिस रिपोर्टिंग नहीं है, तो क्या 270 की पेनल्टी लग पाएगी, संभवता नहीं, क्योंकि वो सेक्शन तभी लगेगा जब आपका अंडर रिपोर्टिंग होगा और यहां मिस रिपोर्टिंग होगा। तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि आप सेक्शन 270 में अंडर रिपोर्टिंग वाले वो अंडर रिपोर्टिंग वाले क्या बोलते हैं उसको, अंडर रिपोर्टिंग वाला धूला है या मिस रिपोर्टिंग वाला धूला है, धूला समझते हैं, तो वो अंडर रिपोर्टिंग वाले कैटेगरी में आते हैं या मिस रिपोर्टिंग वाली में आते हैं, ऐसा बोला जा सकता। तो कैसे पता चलेगा, अब इसमें गूगली क्या है राधमीजा जी, इस सेक्शन को मेरी हम्बल ओपिनियन में मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि जिसने भी इसको बनाया राजेश भाई, और ये मैं बड़ी उससे बोल रहा हूं कॉन्शियसनेस से, ऐसे नहीं बोलने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आया, और मैं आपकी बात को चितार्थ करूंगा। सेक्शन 270A सब सेक्शन 6 पे आइए, नोट कर लीजिए उसमें क्या लिखा है कि अंडर रिपोर्टिंग कब मानी जाएगी,
अंडर रिपोर्टिंग अंडर उसके ये ऐसा कहता है 270A सबसेक्शन 6 द अंडर रिपोर्टेड इनकम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. तो आप कहेंगे गोल साहब इसमें तो ये बताया कि क्या इंक्लूड नहीं करेगा, जो इंक्लूड करेगा पहले ये तो बता दीजिए. ये बता देता हूं 270A सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अंडर रिपोर्टिंग किसको कहेंगे, मतलब क्या आएगा. अंडर रिपोर्टिंग की डेफिनेशन नहीं है हमारे पास आदि साहब जी, मिस रिपोर्टिंग की डेफिनेशन नहीं है. आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब कानून है. अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, कोई आपको ये कहे कि बेसिक चीज जो फाउंडेशनल चीज है उसकी डेफिनेशन तो आपको बताए ना, और फिर आपको कहे कि इसको समझ लो, तो ये भैया जादू मेरे को नहीं आता. अंडर रिपोर्टिंग की परिभाषा आज भी नहीं है, मिस रिपोर्टिंग की परिभाषा नहीं है, मेरे व्यू नहीं है, मेरे जैसे और भी मेरे से बहुत बड़े विद्वान लोगों के व्यूज हैं कि इस सेक्शन में अंडर रिपोर्टिंग वर्ड डिफाइन नहीं है, मिस रिपोर्टिंग नहीं है. उसमें क्या आएगा वो है राजेश भाई, ये कहना कि क्या आएगा ये तो गलत चीज होगी, उसका अपना क्या मतलब है. अब सेक्शन सबसेक्शन 2 देखिए क्या है, अंडर रिपोर्टिंग वाला 270 सेक्शन 2 कहता है अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम इफ. अब इस सेक्शन को पढ़िए तो इसको ऐसा लगता है कि जिस भी आदमी की रिटर्न में बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुर्भाग्य से एडिशन हो जाएगा रिटर्न में, तो वो अंडर रिपोर्टिंग हो गया. आप समझ गए राजेश भाई, 270A सबसेक्शन 2 में ए बी सी डी ई एफ जी, जी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ जी, 7 हो गए, 7 लोग हैं. मैं ऐसा गिन ऐसे ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 7 है, मतलब 7 वैरायटीज हैं इसके अंदर, 7 वेरिएंट्स हैं. 7 वेरिएंट का मतलब ये है समरी सेंस में, बिना आपको टेक्निकली बोर करे हुए, कि भैया जिसकी इनकम में कोई वेरिएशन हो गया जो उसने रिटर्न दी थी तो वो अंडर रिपोर्टिंग में आ गए. ठीक है, उसके बाद दादे श्याम जी 270A सबसेक्शन 2 में अंडर रिपोर्टिंग में आप आ गए बाय डिफॉल्ट एक किस्म से, ऐसा लगा इसको पढ़ के. बट ऊपर क्या लिखा है सबसेक्शन 1 में, मे असेसिंग ऑफिसर मे इनिशिएट पेनल्टी, डिस्क्रिशन है, ऊपर कह रहे हैं डिस्क्रिशन भी दे रहे हैं. अच्छा इसीलिए मैंने कहा, मेरी बात ध्यान रखिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सेक्शन आज तक भी, और अभी पता नहीं 10 साल लग जाए जब सुप्रीम कोर्ट का पहला इस पे ऑर्डर आए 270 राजेश बाबू, और कितने केसेस में अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लग चुकी है, और कितने केसेस अंडर रिपोर्टिंग में मिस रिपोर्टिंग में डिपार्टमेंट ने ले लिए. एनी ऑफ 270A सबसेक्शन कहता है कि डिस्क्रिशन टू इनिशिएट पेनल्टी है, मे वर्ड लिखा हुआ है. 270A सबसेक्शन 2 कहता है कि कौन से केस में अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी. सबसेक्शन 3 बताता है कि अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग क्या होगा दमी जारी. सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट सबसेक्शन 6 बहुत रेलेवेंट. वो क्या कहता है राधे श्याम जी, कि हम कब नहीं मानेंगे कानून के अंदर कि आपने अंडर रिपोर्टिंग नहीं करी. जैसे उन्होंने बताया ना हम कब मानेंगे कि अंडर रिपोर्टिंग हुई, ऐसे उन्होंने बताया 270A सबसेक्शन 6 में ए बी सी डी ई, 5 सरकमस्टांसेस में आपको बोला गया है कि एसएससी के पास, यहां पावर ओनस आपके ऊपर आ गया. आप समझ गए पावर जी, अगर आपको 270A सबसेक्शन 6 के अंदर किसी भी 5 होल्स में शरण लेनी है तो आपको बताना है कि आप कैसे उसमें फिट होते हो. जैसे पहले वाला क्या है कि आपसे आपकी इनकम में एडिशन हो गया, पर आप कहते हैं कि आपने अंडर रिपोर्टिंग नहीं किया क्योंकि आपके पास बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है, आपने सारे मटेरियल फैक्ट्स तथ्य डिस्क्लोज कर दिए थे विभाग को, तो इसके लिए ओनस किसके ऊपर है, अब ये आप पे एसएससी पे. आप समझ रहे पावा जी, 270A सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए सबसे रेलेवेंट है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 270A सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए कि कब आप पे अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी, जब आप ये एस्टेब्लिश कर देंगे कि आपका कंडक्ट फेयर था, या आपके पास एक बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है और आपने सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए थे. इसका मतलब यह है कि आपका कंडक्ट, आप नोट कर लीजिए 270A सबसेक्शन 6 को अगर आप समरी करें तो ये मांग रहा है कि वो आपसे ही पूछ रहा है कि आपका कंडक्ट कैसा था. मैं अगर आपका रिप्लाई बनाऊंगा पेनल्टी का तो मैं सबसे मैंने आपको लिखवा दिया कंडक्ट वाली बात भी. जब आप कंडक्ट का मतलब ये होता है धमीजा जी कि क्या आपने रिटर्न में ऑडिटेड अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में उसको प्रॉपरली फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट में डिस्क्लोज कर दिया था नहीं कर दिया, क्या आपने उसको किताबों के बाहर रखा अनअकाउंटेड या किताबों के अंदर रखा, और असेसिंग ऑफिसर को उसकी विभाग को जानकारी आपके फाइनल अकाउंट से मिली, रिटर्न से मिली या कहीं और से मिली. आप समझते हैं, तो डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है पावा जी. हमेशा हमेशा पेनल्टी से अगर आपको बचना है तो आपको ये कंडक्ट के साथ डिस्क्लोजर आस्पेक्ट पे भी जाना पड़ेगा. डिस्क्लोजर आस्पेक्ट समझते हैं आप कि आपने सारे फैक्ट जो मेटीरियल फैक्ट्स थे, मेटीरियल फैक्ट सारे फैक्ट्स नहीं सर, मेटीरियल फैक्ट एज ए सीए वी अंडरस्टैंड, मेटीरियल फैक्ट का मतलब जो मेटीरियल है, अगर वो आपने फैक्ट डिस्क्लोज कर रखे हैं और आपके पास बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है. आप कहेंगे गोल साहब बोनाफाइड का क्या मतलब होता है, बोनाफाइड का उल्टा है मेलाफाइड, ये वर्ड बोनाफाइड इसी में लिखा हुआ है सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में, पहले वाले में भी लिखा हुआ था 271. तो बोनाफाइड का मतलब ये होता है राजेश भाई कि जैसे एक रीजनेबल आदमी के हिसाब से आपने सोचा कि नहीं साहब ये इनकम टैक्सेबल नहीं है या ये खर्चा अलाउएबल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन
proper disclosure and proper conduct will take you out of penalty of under reporting. अब आप कहेंगे गोल साहब इतना आसान है, आप तो कह रहे थे आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है सर। अभी क्या हुआ दमिजा जी, इसमें अभी इसमें गूगली हो ना, गूगली है क्या है 270A सबसेक्शन 6 के नीचे क्या है सर, एक सेक्शन सबसेक्शन 8 है और एक सबसेक्शन 9 है, ये आप नोट कर लें सर, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे डेंजरस यही है 270A सबसेक्शन 8 एंड 270A सबसेक्शन 9। इसमें क्या लिखा है पावा जी 270A सबसेक्शन 8 में, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 वेयर अंडर रिपोर्टिंग। अब आप सब ध्यान से सुनना मेरी बात पावा जी, आप भी मेरे साथ ध्यान दो प्लीज सब, सर आप मेरे साथ ध्यान दीजिए सब सारे, ये मैं आप राजेश भाई ये लैंग्वेज सबसे क्रिटिकल है, सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 270A और मैं बता रहा हूं यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है पेनल्टी का इस सेक्शन में, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6, जो सबसेक्शन 6 कहता है आप कैसे बाहर निकलेंगे पेनल्टी से, वेयर अंडर रिपोर्टेड इनकम इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मिस रिपोर्टिंग देयर ऑफ बाय एनी पर्सन द पेनल्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 270A सबसेक्शन 1 शैल बी इक्वल टू 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। मैं दोबारा पढ़ता हूं सरल तरीके से कि अगर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की वजह से है तो पेनल्टी का अमाउंट 200% हो जाएगा अंडर रिपोर्टिंग के टैक्स के ऊपर, मतलब जो टैक्स है वो 200% उस जो टैक्स के 200% दुगुना पेनल्टी हो जाएगी। अब आप बताइए पहले कौन आएगा, राजेश बाबू राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जाओ, अपना माइक ओपन कर लो, बाकी बिहारी लाल की जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंच गए सेमिनार के इस वाले सेक्शन पे कि पहले मिस रिपोर्टिंग आएगा या पहले अंडर रिपोर्टिंग आएगा, पहले मिस रिपोर्टिंग आना चाहिए। क्या बात है यही, अरे साहब आपने तो डिपार्टमेंट की बात क्या कैसे इसी आप कह रहे हो कि गोयल साहब पहले ये माना जाएगा कि हर एक केस मिस रिपोर्टिंग का है 200% का, फिर माला नीचे उतरेंगे या माला ऊपर चढ़ेंगे माला नीचे उतरेंगे, क्या होगा ये मेरे को, आप तो कह रहे हो गोयल साहब सबसे पहले बुर्ज खलीफा के टॉप माले पे चलेंगे हम तो 200% पे। अच्छा अंडर रिपोर्टिंग, अब क्या बिना अंडर रिपोर्टिंग बताए हुए ढंग से आप मिस रिपोर्टिंग पे छलांग मार सकते हैं हाई जंप? नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, ये डिपार्टमेंट कह रहा है। बहुत सारे हमारे और स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं सर कर सकते हैं, गोयल साहब इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है where under reported income is in consequence of misreporting then directly 270A subsection 8 and subsection 9 can be activated. I am of the humble view, let me put now my view without wasting time. In my opinion Rajesh Babu, it is like this, I will make it like a layered thing. First layer Rajesh Shyamji is this ki that it can be under reporting or cannot be. It is not like this in my humble understanding as the law is there. There can be cases which never falls in any under-reporting and misreporting. It is not the law. Because penalty imposition is discretionary at the end of the day. Amount of penalty may be fixed. Cases in which amount, how the penalty will be computed, on whom the penalty will be levied is decided. But Rajesh Babu, penalties to be initiated and levied or not, this is kept discretionary. May word is written in section subsection 1. So, Dhamija ji, my view is this. First is under-reporting. If the case warrants, then if assessee is second point, you can note step one, under reporting. Step then two, misreporting. No. Step two, if assessee is not able to controvert the charge of under reporting, and under reporting gets confirmed. Sir, see, can you believe that all under reporting by default are confirmed under reporting? Then what for 270A subsection 6 is there in the law? Is it for entertainment? Sorry. 270A subsection 6 is a window given by the statute to give a leeway to the assessee to bona fidely show that his conduct is fair and his conduct does not warrant penalty. So Rajesh Babu, first is 10 proposed under reporting. Then if assessee has to give an explanation under section 270A subsection 6, then third stage. Then the assessing officer has to take a view that whether under reporting is confirmed. Now, even after third stage, fourth stage will come, whether this under-reporting is due to that six factors in section 270A, subsection 9 of misreporting. So, chote stage pe misreporting activate hogi, sir. Main aur samjhaun saral karke, pehla stage to hai ki under-reporting ho sakta bhi hai aur ho sakta nahi bhi hai. Aapko karan batao, notice aayega, show cause section 274 mein.
फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये 270 सबसेक्शन 6 से आपको रास्ता बाहर का मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अगर आप नहीं साबित कर पाते हैं तो अंडर रिपोर्टिंग एओ को व्यू लेना है कि अंडर रिपोर्टिंग पक्का हो गया नहीं हो गया। फिर अंडर रिपोर्टिंग जब पक्का हो जाएगा थर्ड स्टेज पे, तभी आप चौथी स्टेज पे जा पाएंगे कि क्या वो अंडर रिपोर्टिंग जो थर्ड स्टेज पे कंफर्म हुई है क्या वो मिस रिपोर्टिंग की वजह से है या नहीं। एम आई क्लियर पावा जी धमीजा जी? आप सीधा मिस रिपोर्टिंग पे नहीं जा सकते हैं, और आप सीधा सेक्शन 270 सबसेक्शन 8 और सीधा 270 सबसेक्शन 9 नहीं लगा सकते, पर डिपार्टमेंट ने बहुत जगह लगा दिया। ये दुर्भाग्य की बात है, उनको 200% से ज्यादा वो है। मैं ये समझ रहा था धमीजा जी ये कॉन्ट्रोवर्सी पता नहीं कितने सालों में जाकर अभी क्लोज होगी, पर इसी कॉन्ट्रोवर्सी के बेस पे इतने सारे केस उन्होंने। अच्छा इसका आप एक और इफेक्ट बताइए, प्रैक्टिकल इफेक्ट, अगर धमीजा जी किसी केस में अंडर रिपोर्टिंग इनिशिएट होनी चाहिए थी, सीधा मिस रिपोर्टिंग असेसमेंट ऑर्डर में इनिशिएट होगी, इसका क्या दुष्प्रभाव है? बस बताइए बताइए, बड़ा इजी है सर, आप लोगों को सबको मेरे से ज्यादा पता है। बताइए बताइए बताइए, सेक्शन 270AA नोट करिए सर, उसमें लिखा है कि जो पेनल्टी से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी तब उनमें से एक कंडीशन है कि आपका केस मिस रिपोर्टिंग का नहीं होना चाहिए। अगर आपका केस अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग का बन जाता है तो आपको 270AA में वेवर नहीं मिलेगा पेनल्टी का। एम आई देयर पावा जी? 270AA के अंदर जो कंडीशन है पेनल्टी को वेव कराने की, जिसका फॉर्म है 6862, क्या नंबर है फॉर्म 6868, उस फॉर्म 68 के सेक्शन में 270AA में क्या क्या कंडीश्यन है कि आपकी असेसमेंट हो गई राधेश्याम जी, कोई असेसमेंट हो गई और उसमें आपकी कोई डिमांड नहीं निकली, लॉस था लॉस कम हो गया, सबसे बेस्ट केस, हमें पैसा तो देना नहीं। अब उस केस में अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी इनिशिएट होनी चाहिए थी, एओ ने एओ साहब ने उसको मिस रिपोर्टिंग का इनिशिएट कर दिया, उससे क्या होगा वो पेनल्टी 270AA में वेव ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 270AA क्या बोलता है कि साहब पेनल्टी वेव कराने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो असेसमेंट में टैक्स और ब्याज निकला हुआ पे कर दें, भैया जिसमें लॉस ही है तो उसमें क्या निकलेगा चलिए, पर इसमें कंडीशन है कि टैक्स और ब्याज आप पे कर दें। दूसरा आप उसकी अपील नहीं करेंगे। तीसरा वो असेसमेंट किस सेक्शन की होनी चाहिए, धारा 143(3) या 147। एम आई देयर? एलिजिबल कंडीशन फॉर 270AA आई एम रिसाइटिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 3/147 असेसमेंट। सेकंड मतलब 144 की असेसमेंट इसमें नहीं आई, 153 इसमें नहीं आया, 143(3) और 147। जो भी टैक्स निकला ब्याज निकला आपने पे कर दिया। दूसरा, तीसरा राजेश भाई आपने उसको कभी भी उसका कोई अपील फाइल नहीं किया। चौथा उसमें कंडीशन है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा था अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग के इस कंफ्यूजन से, अगर किसी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर में मिस रिपोर्टिंग सीधा इनिशिएट कर दिया तो आप 270AA से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, क्योंकि एक एलिजिबल क्राइटेरिया 270AA के लिए यह है कि आपकी पेनल्टी जो इनिशिएट होनी चाहिए वो सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग की होनी चाहिए, मिस रिपोर्टिंग की नहीं होती। अब आप समझ गए खेल, अब इसका भी खेल समझिए 270AA का। जब असेसी का जहां बनता था लोगों ने फाइल किया, आप बताएंगे धमेजा जी आप लोगों के केस में फॉर्म 68 का क्या है, उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं आया बहुत लोगों को, तो कई कई महीने तक इसमें लिखा टाइम बाउंड मैनर में आएगा। Assessing officer shall within period of 1 month from the end of the month in which application under 270AA is received pass an order accepting or rejecting application. Accepting ही होना, अगर आपकी सारी कंडीशन पूरी है तो उसके पास कोई रिजेक्शन का चांस नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया। अगर ये चारों कंडीशन पावा जी पूरी है कि आपने आपका असेसमेंट 143 सबसेक्शन 3/147 में हुआ हुआ है या 147 में, और आपने टैक्स ब्याज दे दिया है, आपने अपील उसको चैलेंज नहीं किया असेसमेंट ऑर्डर को अपील के अंदर, और आपका केस अंडर रिपोर्टिंग का है और ये चारों कंडीशन आपकी पूरी हैं, तो उसको आपकी पेनल्टी का वेवर एप्लीकेशन स्वीकृत करना ही पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के दो फैसले आप नोट कर लीजिए, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के एक वेजन साहब का आर्ग्यूड है और एक हमारा और दोस्त साहब जोली साहब उनका आर्ग्यूड है। एक केस का नाम है प्रेम ब्रदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 31 मई 2022, प्रेम ब्रदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये वेजन साहब का आर्ग्यूड ऑर्डर है। और एक है शैंडलर इलेक्ट्रिक पीटी लिमिटेड, ये 270AA के ऊपर ऑर्डर है राजेश बाबू, और इसमें 270A को भी डील किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, प्रेम ब्रदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 31 मई 2022 और शेंड्रल इलेक्ट्रिक, सर दोनों अलग अलग फैसले हैं जस्टिस मनमोहन के दिल्ली हाईकोर्ट। एनी हाउस मेरा सबमिशन क्या था पावा जी, अब इस वापिस आ जाते हैं 270A सबसेक्शन के अंदर, अगर रिटर्न जो है रिटर्न के अंदर ही जैसे इसका मतलब ये होगा रिटर्न के अंदर अगर डिस्क्लोज कर दें 148 में रिटर्न में जो मैटर उन्होंने दिया और उसको इंक्लूड करके इनकम में डाल दें तो क्या पेनल्टी लगेगी? नहीं नहीं, अब आप देखिए ये बड़ा जबर, ये मेरा आपका ताली बजाने के लिए बंद कर रहा है पर मैं भी ताली नहीं जानता, मेरे हाथ में इनकम टैक्स की किताब है, मैं आपको सीधा अपनी बात बताऊं।
270 है सबसेक्शन 2, आपको पता मेरा स्टाइल ऐसे ही सर अजीब गरीब बोलने का, प्लीज बियर विद मी. अब 270 है सबसेक्शन 2 सेज अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम. एंड आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पावा जी, मैं बता रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुन ले सर. 148 के केस में नया 270 का पेनल्टी कैसे चलेगा, ये उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल है. जैसे फिल्म होती है ना इसे पता ही नहीं चलता लास्ट में किसके साथ क्या हुआ. सॉरी आप मेरे को कहेंगे गुल साहब कहां पहुंच गया, तो ये वही फिल्म है. 270 है सबसेक्शन 6, 270 है सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 आपको मैंने बता दिया पावा जी. 270 है सबसेक्शन 6 तनु और 270 ए सबसेक्शन 9, थोड़ा बहुत पंजाबी में करने की कोशिश कर रहा हूं. 270 ए सबसेक्शन 8. अब आपने पूछा कि मिस्टर गोयल अगर कोई 148 का नोटिस आता है और हमें चेतना होती है कि पता लगता है कि 148 है कि प्रोसेस से भैया ये इनकम है. जमीजा जी लेटर से कि एक एसएससी का बैंक अकाउंट था जो उसने नहीं दिखा रखा था और उसको उसने 148 की रिटर्न में इंक्लूड करके इनकम ऑफर कर, लेट अस टेक दिस केस पावा जी, उसमें और वही उसी अमाउंट पे जो उसने 148 की रिटर्न भरी पावा जी उसी पे उसकी असेसमेंट क्लोज हो जाती है. लकीली कई बार डिपार्टमेंट नहीं मानता, डिपार्टमेंट कुछ और भी ढूंढ लेता है, पर मैं मान के चलता हूं अपने एग्जांपल के लिए कि आपने 148 की रिटर्न में जो एडिशनल इनकम ऑफर करी जो आपने पहले 139 में नहीं करी थी उसके बेस पे आपकी 148 की असेसमेंट लेट अस से एज इट इज कंप्लीट होगी 148 वाली रिटर्न इनकम. अब क्वेश्चन ये आएगा कि पावा जी इस सिचुएशन में कि क्या मिस्टर गोयल इस केस में हमारे पे अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग लगेगी पेनल्टी. सर अब मैं पहले एक्ट बता देता हूँ फिर अपना व्यू बता देता हूँ. इसमें लिखा है सर 270 सबसेक्शन 2 में अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम इफ द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड और वेयर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर 148. ये वो केस है पावा जी जिन्होंने कभी रिटर्न का मुंह रिटर्न नहीं फाइल किया था उस साल के लिए, वो पहला रिटर्न ही भर रहे 148 का रिटर्न. इसके लिए लेजिस्लेचर ने क्या कहा भैया, जो लोग पहली बार 148 के रिटर्न में मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा इनकम दिखाएंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग की एक बार एक्टिवेट हो जाएगी. आर यू विद मी सर? और दूसरा लिखा है income assessed is reassessed is greater than the income assessed or reassessed immediately before such reassessed. तो इसका मतलब ये हुआ तीसरे वाले clause का 270A subsection 2 के C का सर कि अगर आपने पहली बार 148 के return में कोई income दिखाई है तो एक बार तो आप पावा जी इस 270A subsection 2 के जाल में फंस जाएंगे. But मेरा submission यही है कि वो भी उसमें भी ये देखा जाएगा कि आपका conduct क्या है और उसमें भी ये देखा जाएगा कि क्या आपने जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट के बिफोर डिटेक्शन, डिपार्टमेंट के बिफोर शो कॉज नोटिस, डिपार्टमेंट के बिफोर क्वेश्चनर, जैसे 148 की रिटर्न तो पहले ही भरेंगे आप, कोई 148 का रिटर्न कोई आप क्वेश्चनर के बाद थोड़ी ना भरेंगे, पहले ही भरेंगे संभवतः, उसका तो टाइम लिमिट पहले ही होता है. तो मेरा सबमिशन ये कि अगर वो पेनल्टी इनिशिएट हो भी गई तो 270A सबसेक्शन 6 का जो क्लॉज ए है वो आपके लिए संजीवनी बूटी बनना चाहिए, संकट मोचन. क्यों? क्योंकि आपका कंडक्ट बड़ा फेयर है. एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता था पावा जी, अब पता नहीं वो अभी इस लॉ में इसके बाद मेरे को कोई जजमेंट नहीं मिला. सुरेश चंद मित्तल का आप नोट कर लीजिए 251 ITR, आपने भी पढ़ा होगा 251 ITR 19 नंबर पे सुरेश चंद मित्तल, जिसमें ये फैक्ट थे कि एसएससी ने इमीडिएटली कोई असेसमेंट चालू के स्टेज पे इनिशिएशन पे कोई अमाउंट ऑफर कर दिया तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, तो कोर्ट्स ने कहा नहीं लगेगी सुप्रीम कोर्ट ने. तो 251 ITR पेज नंबर 19 सुरेश चंद मित्तल हैज बीन द लीडिंग लॉ, बट इट इज नॉट इन 270A. 270A का ऑर्डर नहीं है सुरेश चंद मित्तल, सुरेश चंद मित्तल 271(1)(c) का ऑर्डर. अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जितने भी ऑर्डर 271(1)(c) में जो आए हैं क्या वो 270A में लागू होंगे? मेरे हिसाब से तो होंगे सर, बट आपके क्वेश्चन का उत्तर ये है सर, डिपार्टमेंट एक बार पेनल्टी इनिशिएट कर देगा, अब वो हाई जंप मारेगा मिस रिपोर्टिंग में सीधा या वो अंडर रिपोर्टिंग तक रखेगा, ये उसकी श्रद्धा के ऊपर है और विवेक के ऊपर है. श्रद्धा और विवेक, विवेक अगर ज्यादा होगा तो आप बच सकते हैं, आपका केस ठीक रहे. अगर श्रद्धा ज्यादा रही तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स समझते हैं ना? तो अब मैं इसे ज्यादा सरल तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ बार-बार. 270A सबसेक्शन 8 पे पैराशूट लैंडिंग होगी या 270A सबसेक्शन 2 से हम स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेकर चलेंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर. जिसने भी सेक्शन को बनाया था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन 2016 आई बिलीव आई एम नॉट रॉन्ग, उस सेक्शन के बनने के बाद धमीजा जी उसके बाद कोई भी फ्रीक्वेंट, मैंने कई सेमिनार दिए सर इसके ऊपर, मैंने यही कहा पावा जी कि आई ऑलवेज विश कि इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आया आज तक, आपके यहां पर भी बोल रहा हूं. देयर इज नो एफएक्यू,
और सारे ऑफिसर्स अपने तरीके से जो जिसको सब्जेक्टिव व्यू लेना है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये मेरे को कहते हुए कोई वो नहीं है, मैं बड़ी गुस्से बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से, मेरे पास जितने भी चैम्बर में केसेस हैं मेरे यहाँ, ये ऐसा लगता है कि ये सेक्शन जिसने जैसे इंटरप्रेट करना है वो जैसे कर सकते, जबकि इस सेक्शन को लाने का पर्पस जेटली साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट का ये था कि जो 271(c) में ज्यादा अनसर्टेनिटी है और लिटिगेशन है वो कम हो। तो पावा जी शायद आपके उत्तर क्वेश्चन का उत्तर मैं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मेरा सबमिशन ये कि सर 148 के रिटर्न में आप टैक्स तो भर दीजिए, आपको साधुवाद है, आपको बहुत सारा सिंपैथीज भी है और गार्लैंडिंग भी है, पर ये मत उम्मीद करिए कि आपके उसके टैक्स देने से आपको अवार्ड ही मिलेगा और आपकी उस सेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। आप कहेंगे गोयल साहब कैसे कैसे, मैं ये बड़ी प्रैक्टिकली से बोल रहा हूँ, हमने देखा कि किसी ने तो दे दिया राधे साहब जी बहुत अच्छे मन से, पता चला वो जिसे क्या कहते हैं नमाज पढ़ने गया और क्या हो गया, रोजे गले पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, यही यही हालत है साहब, आप अपना सवारी सामान का खुद जिम्मेदार है, मेरे से इससे, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ आपको। दिन जो अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का जो इन्होंने अब नया कॉन्सेप्ट करा है कि डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्ड इनकम एंड असेस्ड इनकम, राइट, अगर मेरा कोई शेयर कैपिटल का हो या लोन का हो या किसी बैंक अकाउंट का हो, अगर वो 148 में ऐड कर दें तो असेस्ड इनकम और रिटर्न्ड इनकम में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। जहां पर दोबारा बोलिए सर जो 148 की रिटर्न में एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने बोला सर मेरी आवाज क्या कम, मेरी आवाज कम आ रही है आप आवाज़ आप लोगों की? नहीं यार ठीक आ रही है, ठीक है। उसमें बोला कि इतने रुपए की शेयर कैपिटल या लोन या बैंक अकाउंट नहीं दिखाया हुआ, वो एसएससी ने सेम इनकम 148 की रिटर्न में रिटर्न भर दी, ठीक है, उस केस में रिटर्न इनकम एंड असेस्ड इनकम विल बी द सेम। 148 के केस में वो आउटसाइड द नोटिस पैरामीटर्स के बाहर नहीं जाता, उस केस के रिटर्न इनकम के अंदर आ गया। पहले 271(c) में टैक्स इवेजन वर्ड था, सॉट टू बी इवेडेड, उस टाइप से था कंसील्ड, नाउ इट इज मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग, यहाँ पर असेस्ड इनकम एंड रिटर्न इनकम विल बी द सेम, राइट, इट विल नॉट बी अ केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग अनलेस दे कवर इट एज डिटेक्शन बाय द डिपार्टमेंट एंड कंप्लायंस बाय द एसएससी। सर आपका पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड है इस बात पे कि मिस्टर गोयल अगर 270A सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए में अगर ये नहीं आ पाता है या क्लॉज बी में क्लॉज सी में जितने भी वो जी क्लॉज हैं तो इसको अदरवाइज डालना मुश्किल है। और जो मैं आपके साथ दोबारा पढ़ रहा हूँ तो देखो हर एक लॉ की ब्यूटी की पढ़ने की तरीका है कि हमें जितनी बार पढ़ रखा हम दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आपकी बात मैं जो समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि गोयल साहब हमने पहले रिटर्न भर रखा था लेटर से और हमने 148 हमारा हुआ और हमने 148 के रिटर्न में कोई और अमाउंट भी ऐड कर दिया, जैसे हम बात कर रहे थे बैंक अकाउंट आपने नहीं दिखा रखा था, आपने उसका कुछ अमाउंट इनकम ऐड कर दिया टर्नओवर पे, तो क्या वो केस जैसे इसमें पहला लिखा है सर क्लॉज है 270A में जो हम पे लग सकता था, द इनकम असेस इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइंड इन द प्रोसेस अंडर क्लॉज है। अब क्वेश्चन है कि आपकी पहले 143(3) तो हुई नहीं, आपकी 143(1) ही हुई हुई है, तो आप यहाँ फंस सकते हैं कि अगर आपकी पहली बार असेसमेंट हो रही है तो डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि साहब इनकी जो 148 के द्वारा हमने पहली बार कर निर्धारण किया वो अगर 143(1) के, आप मेरी बात सुन रहे नहीं समझ पा रहे, ये मैं रेवेन्यू साइड से बोल रहा हूँ, डेविल साइड से, फिर मैं कपिल गोयल के अवतार में वापस आ जाऊंगा, मैं डेविल साइड के लिए बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि अगर मुझे आपका केस पेनल्टी में डालना है तो पापा जी मैं क्या कहूंगा, 270A सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए कहता है द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइंड इन द रिटर्न प्रोसेस्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 143(1), तो जो प्रोसेस्ड अमाउंट से ऊपर अगर असेस्ड हो गया 148 में, जैसे किसी की पहले असेसमेंट नहीं हुई है रिटर्न फाइल करी हुई है और पहली बार 148 में असेसमेंट हो रही है और उसमें आप अमाउंट ज्यादा हो गया ना, चाहे वो आपका 148 की रिटर्न से सेम है, आप मेरी बात समझ गए, तो डिपार्टमेंट आपको यहाँ फिक्स करने की कोशिश कर सकता है, बट फिर भी मैंने आपको उसका उत्तर दे दिया वर्स्ट केस में, यू आर राइट कि दिस क्लॉजेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। सी इसीलिए वो शुरू में पेनल्टी को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे या ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जहां 2 व्यूज हैं एसएससी की फेवर में जाएगी, सब बिल्कुल सटल लॉ है। तो मेरा सबमिशन यही है कि अगर सेक्शन 270A सबसेक्शन 2 क्लॉज में आप ए बी सी डी ई एफ जी में आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी इनिशिएट ही नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि पेनल्टी हर एक जगह बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकती। Now your point vindicates my statement that Mr. Goyal, otherwise in G को A B C D E F G लिखने की क्या जरूरत है, वो तो सब आ गया इसमें फिर।
वो तो कंपार्टमेंट वाइज बताना भी पड़ेगा उसको कि आप ए में या बी में सी में, हालांकि इतनी मेहनत डिपार्टमेंट कर नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई पावा जी की, क्या आप 270A सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में आते हैं या 270A सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में आते हैं जिसमें आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं। पहले वाला है जहां पहले असेसमेंट नहीं हुई, पहली बार असेसमेंट हो रही है। दूसरे वाला है जहां आपने रिटर्न ही नहीं भरती। तीसरे वाला है कि आपकी दोबारा असेसमेंट हो रही है, री असेसमेंट। नीचे तीनों मैट वगैरह वाले हैं और सबसे लास्ट वाला लॉस को इनकम में कन्वर्ट करने वाला। तो ये बात मैं आपके साथ इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि यस इट लुक्स राइट कि मिस्टर गोयल प्रेमा फेसाई, क्योंकि उन्होंने बी वाला जो डाला था ना सर, इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड और वेयर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर 148। तो इसका मतलब जिसने पहले रिटर्न भर रखी है वो तो यहाँ नहीं आएगा, अब वो ऊपर में आ सकता है ए वाले में, अगर आप आ गए खुदा ना खास्ता। तो आपको मैंने उसका तरीका बता दिया अपनी तरफ से, 270A सबसेक्शन 6 के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज है इम्यूनिटी क्लॉज, कि सर हमारा कंडक्ट बोनाफाइड है, हमने वॉलंटरीली इसको बिफोर डिटेक्शन डिस्क्लोज कर दिया है या हमने इनिशियल स्टेज पे कर दिया, हमने लास्ट स्टेज पे नहीं किया है। और इसके अंदर डिपार्टमेंट के पास और इस पे टू व्यूज एक्सेट्रा पॉसिबल है और आपने सारे मटेरियल फैक्ट और एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड दे दिए, तब तो पावा जी अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आप अंडर रिपोर्टिंग से भी बच जाएंगे। और अगर अंडर रिपोर्टिंग ही नहीं है तो मैंने ओपिनियन बता दिया, बिना अंडर रिपोर्टिंग के मिस रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। हालांकि कुछ लोगों का आज भी ओपिनियन है बिना अंडर रिपोर्टिंग के भी मिस रिपोर्टिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई आई टुक सो मच टाइम इन लेटेस्ट आर्टिकल्स इन बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरल एक्सेट्रा, यू विल रीड दिस डिस्कशन। एनीहाउ माई कमिंग टू माई पॉइंट कि दैट 270A सबसेक्शन 2 तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कौन कौन लोग आ गए, पर इससे ये थोड़ी ना होगा कि सबसेक्शन 2 में ही पेनल्टी लग गई। पेनल्टी तो आपको आगे लगेगी ना, सबसे लास्ट में जब ऑर्डर पास होगा 270A का सबसे लास्ट में सबसेक्शन है सबसेक्शन 12, जिसमें लिखा है द पेनल्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी इंपोज्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग बाय द एओ एटसेट्रा एज द केस मे बी। तो सबसेक्शन 12 तक की यात्रा करनी पड़ेगी ना, तीर्थ यात्रा। तो कहने का मतलब ये है पावा जी, ये पूरा जितने भी 12 सबसेक्शन है 270A में, इनको साथ पढ़ना पड़ेगा, हारमोनियसली पढ़ना पड़ेगा, एक जैसे कहते हैं वन होल की तरह पढ़ना पड़ेगा, तभी साइंस पता चलेगी सर। और अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने क्यों बोला था कि इसको इस नए सेक्शन को जो इतने 4-5 साल हो गए हैं उसको आज भी समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यही जगलरी की कौन सा अंडर रिपोर्टिंग पहले आ रहा है, कौन सा मिस रिपोर्टिंग बाद में आ रहा है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे स्टेज बाय स्टेज, दैट इज मोस्ट क्रूशियल। और आपके क्वेश्चन का उत्तर यही है कि अगर आपका आपने शुरू में ही पैसा ऑफर कर दिया है और डिपार्टमेंट ने ट्रायल ही चालू किया, बिना ट्रायल के आपने कह दिया, ऐसे समझिए आप, तो पेनल्टी लगनी चाहिए। क्वेश्चन इज दिस कि फिर वही बात आएगी, एक हट से देखा जा रही पेनल्टी तुम्हारे लिए टैक्स है, पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो हमें टैक्स कैसे मिलेगा, ये भावना रखेंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा पेनल्टी। बिल्कुल, ये कहेंगे कि नहीं वही लोगों पे लगनी चाहिए जो डिजर्विंग है इसके लिए, जो फिट केस है। राजेश बाबू आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ सर 100%। अजय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि गोयल साहब पहली बार अगर रिटर्न भरी 148 के परसुएंस में और उसमें कोई असेसमेंट होती है रिटर्न के ऊपर 148 के, सर वहां पर भी मेरा ओपिनियन ये है कि पेनल्टी इनिशिएट तो हो जाएगी एक किस्म से, बट उसके बाद पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी वो फिर भी विचारता नहीं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा अमाउंट पे टैक्स दे दिया जिसपे टू व्यूज है, पता चले कपिल गोयल की इनकम है या राजेश गोयल की है, ऐसा होता है ना राजेश बाबू कि कई बार इनकम किसी और की होती है कोई दिखा देता है उसको, अगर इस तरीके का वो अमाउंट पे डाउट है वो एस्टिमेशन बेस पे है उसके लिए कोई, और जब वो पता चले वो आपने आउट ऑफ वो कर दिया था, क्या मतलब अपना बाय पीस करने के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए कर देते हम, तो जो मन की शांति के लिए आपने कर दिया पता चले उसका लिए कोई टैक्सेबल प्रोविजन ही नहीं है तो क्या उसको पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने टैक्स दे दिया तो? चलो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ राजीव बाबू, आपसे पूछता हूँ क्योंकि अब तो आप लॉयर वाला अवतार में आ गए, मुझे बताइए क्योंकि आपके आगे भी एडवोकेट लिखा हुआ है ना, भी मैं ये पूछ रहा हूँ राजेश बाबू, मजाक में बोल रहा हूँ सॉरी, मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिएगा, बड़े भाई है गुस्ताखी करके बोल, आई होप यू डोंट माइंड सर, सॉरी। अरे सर सर प्लीज राजेश बाबू, मेरा सबमिशन ये है, तमीजा जी आप भी ध्यान दीजिएगा प्लीज इस पे पॉइंट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप सबसे। अगर किसी आदमी ने असेसमेंट में टैक्स लग गया, आपने कहा 148 की दे दिया गोल सब असेसमेंट हो गई 148, क्या मैं 148 की असेसमेंट होने के बाद उसमें टैक्स देने के बाद वहां तक गंगा सागर तक जाने के बाद क्या मैं रिवर्स गियर में पेनल्टी में आ सकता हूं, मैं कहूं कि वो 148 ही गलत हुआ था? दोबारा बोलता हूं बात,
48 में टैक्स दे दिया, 148 को खत्म करने के लिए आपको था लाला जी को कि नहीं साहब मुझे तो 148 से पीछा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ। अब उनके दर्द हो रहा है भैया, दिक्कत हो रही दिमाग में, क्या हो रहा है अभी पावा जी, उन्होंने टैक्स दे दिया। क्वेश्चन इज दिस कि कैन इन पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आई कैन चैलेंज दैट एंटायर असेसमेंट इटसेल्फ वाज फ्लॉड एंड आई हैव नॉट चैलेंज असेसमेंट इन अपील, आई हैव असेसमेंट का फाइनल हो गया, क्या मैं पेनल्टी में असेसमेंट की वैलिडिटी को पहली बार चैलेंज कर सकता हूं? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये कोर्ट के सारे रूलिंग यहां तक की ऑर्डर आ गए राजेश बाबू कि एक असेसमेंट होगी सर्च असेसमेंट की, आप समझ पाएंगे 153 ए की, टैक्स लग गया सब कुछ निपट गया, जैसे होता है शादी में सब कुछ निपट जाता है, फिर पेनल्टी की बारी आई, तो पेनल्टी में चैलेंज किया गया कि वो असेसमेंट जो अप्रूवल से पास हुई थी 153 डी की, वो अप्रूवल ही गलत थी, तो असेसमेंट भी गलत थी, तो पेनल्टी नहीं लग सकती। ये बात ट्रिब्यूनल ने कोर्ट से मान ली, यस इन द पेनल्टी प्रोसीडिंग यू कैन रेज ऑल द जुडिशियल इश्यूज एंड लीगल इश्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेनल्टी ऑल्सो। आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू पावा जी। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आप पेनल्टी, हाँ सर, हाँ सर, एक पॉइंट और भी हो सकता है कि जो एडिशन हुई है वो हमने मान ली, कॉन्टेस्ट नहीं करी टू बाई पीस ऑफ माइंड, जो करी थी ये, अदरवाइज असेसमेंट के अंदर दीज वर द फ्लॉज बट टू कोऑपरेट वी हैव एग्रीड एंड पेड द टैक्स। एग्रीड एडिशन, पॉपुलर एग्रीड एडिशन, मतलब एग्री असेसमेंट ऑर्डर के बाद पे कर दी, लिटिगेशन में नहीं गए, टू बाई पीस ऑफ माइंड मैंने ये कर दिया, तो मेरी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए कि मैं ये मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्क्लोज एंड कोऑपरेटेड विद द डिपार्टमेंट कि ये गलत हो रहा है, बट वो गलत को मैंने मान लिया और टैक्स दे दिया। पर गलत के गलत को आपने मान भी लिया, जब पेनल्टी का जो इंटेंशन बेसिकली प्रूव करने के लिए है उस केस में वी हैव टू मेक आउट अ केस की इंटेंशंस वर ऑल। नहीं 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 नहीं, यहां आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, आप सब लोग दो सर देखिए, कई बार थ्योरी कोई प्रैक्टिकल आदमी सीनियर पूछता है तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं आपकी बात को पावा जी एक एक्सटेंट पे लेके जाता हूं, मैंने केस लड़ा भी पिछले दिनों में, तो वहां ये सबके बहुत काम आएगी बात कि जैसे राजेश बाबू हम बहुत बार एग्रीड एडिशन हो जाते हैं असेसमेंट्स में, और असेसी मतलब नहीं भी चाहता और एग्रीड एडिशन हो जाता है। एग्रीड एडिशन आप समझते हैं कि आप बोल देते हैं कि नहीं भैया इतना एडिशन कर दो, तो क्या उस एडिशन के कह देने से कर देने से ये बात साबित हो जाती है कि आपके एंड पे एसएससी के एंड पे पेनल्टी का केस एक्टिवेट हो गया है? इसके लिए टर्म लिख लीजिए, क्या है सर, एक टर्म है लेटिन फ्रेज एनिमस, एनिमस, एनिमस का मतलब होता है कि अगर ये प्रूव नहीं, और एक होता है एनिमस और एक होता है कि ये इनकम आपकी एक्चुअल सेंस में इनकम है या नहीं, जैसे आपने मान लिया असेसमेंट में कोई इनकम है, पेनल्टी लगाने से पहले अधिकारी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि सही में वो पैसे आपके पास आए हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं सर, अगर असेसमेंट में एक एग्रीड एडिशन हो जाता है उस पर आप टैक्स दे देते हैं और उस असेसमेंट को कबूल कर लेते हैं, कबूल 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 कबूल, समझ गया मैं क्यों बोल रहा हूं, अब पेनल्टी की बारी आई, वहां आप तलाक तलाक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेनल्टी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है और पेनल्टी में कॉन्शियस कंसीलमेंट मतलब एनिमस, मैंने आपको जो वर्ड लिखवाया ना एनिमस सर, एनिमस का मतलब ये होता है कि आपके पास उतना पैसा कमाया हुआ है या नहीं है। कैन यू लीव ए पेनल्टीज ऑन नोशनल एडिशंस, एडॉक एडिशंस एंड फिक्शनल इनकम, हाइपोथेटिकल इनकम जो आपने एक्सेप्ट कर ली? मैं आपसे पूछ रहा हूं पावा जी काउंटर पॉइंट कि आपने अगर किसी भी एंड पे एडॉक डिसअलाउंस को एक्सेप्ट कर लिया, एडॉक इनकम एस्टिमेशन को, तो इसीलिए उसका सेंस ये बना, और ये बात 278 सबसेक्शन 6 से भी निकलेगी। तो जैन साहब बिल्कुल क्लियर, लॉयर नो, यस, तो 278 सबसेक्शन 6 को ध्यान से पढ़ेंगे मीनिंगफुल मैनर में, तो मेरा सबमिशन ये राजेश जी कि वो केसेस जहां पर सिर्फ एक एस्टिमेशन बेस पे, एग्रीड बेस पे, या एक जैसे कहते हैं ना व्हाट यू से आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल इनकम के बेस पे कोई एडिशन अगर हो गया है तो वो, और उस पर टैक्स भी ले लिया गया है तो उस पर पेनल्टी नहीं ली जाएगी। उसके लिए एक सिंपल रीजनिंग मैं दे रहा हूं, उसका रीजन है कि जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो पैसा एसएससी ने वास्तविकता से कमाया है नहीं कमाया, ये सबसे क्रिटिकल है। आप समझ गए पावा जी? दो बार मैंने रिपीट कर दिया सर, तो वो बिना सर नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? आप किसी, आप सोचिए कि आपने कोई एस्टिमेटेड एडिशन कर दिया, आपने कोई एस्टिमेटेड डिसअलाउंस कर दिया, एडॉक डिसअलाउंस, आपने एसएससी से एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं उसने 10 लाख रुपए प्रोफेशनल इनकम के कमाए सीए ने, लेट अस से मैं हाइपोथेटिकली बोलूं, तो क्या वो 10 लाख रुपए मान ली जाएंगे मेरे वर्ड से कि मैंने कमाए?
और कोई एविडेंस नहीं है उसके ऊपर, कोई मेरा अनअकाउंटेड बैंक अकाउंट नहीं है। ये कैसे राजेश भाई, बहुत बार होता है कि आपके पास कोई अनडिस्क्लोज ट्रेडिंग आउटसाइड द बुक्स नहीं होता और कोई एविडेंस नहीं होता, तो भी आप 10 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा ऑफर कर देते लमसम तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आप कहेंगे गोल साहब सेक्शन से बताइए, सेक्शन से मैंने बता दिया आपको, 270A सबसेक्शन 1 में वर्ड में वर्ड में लिखा है, मे वर्ड डिस्क्रिशनरी है, सबसेक्शन 6 उस बात को और चरितार्थ करता है। और पूरे पेनल्टी सेक्शन में मेरे को ये समझ में नहीं आता ये पेनल्टी मैंडेटरी है। ये मैं एक और पॉइंट बोल रहा हूँ राजीव बाबू, 270A सबसेक्शन अंडर रिपोर्टिंग पेनल्टी एंड मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी इज नॉट मैंडेटरी। अच्छा आप अपील में चले गए, आपके असेसमेंट अपील में विचाराधीन है, तो आप सेक्शन 275 का सहारा लेकर और अदरवाइज ये बोल सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है मोहर ट्रेडिंग, प्रैक्टिकल बात नोट कर लीजिए, मोहर ट्रेडिंग दिल्ली हाईकोर्ट का, उसमें ये बोल सकते हैं कि जब तक आपकी अपील क्वांटम की अपील मेरिट्स की अपील पावाजी डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक आप पे पेनल्टी लागू नहीं लगेगी नहीं, आप समझे उसको अबेंस में रखा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है मोहर ट्रेडिंग का, एक मिनट दमीजा जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके असेसमेंट के खिलाफ आप अपील में गए हैं, क्योंकि सेक्शन 275 उसमें एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो आप सेक्शन 275 का सहारा लेकर ये बात प्ली कर सकते हैं, अगर आपके असेसमेंट में एडिशंस हो गए हैं और आपने फर्स्ट अपील फाइल कर दी और आपकी फर्स्ट अपील पेंडिंग है, तो आप सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 का सहारा लेकर ये बात प्ली कर सकते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट मोहर ट्रेडिंग का, कि आपकी पेनल्टी को अबेंस में रखा जाए जब तक असेसमेंट की सॉरी अपील फाइनलाइज नहीं हो जाती। धमीजा जी बोलिए, सॉरी माइक ओपन कर लीजिए, माइक ओपन सर, माइक ओपन, आपका माइक म्यूट है। माय हंबल सबमिशन सर, सेक्शन 270A क्लॉज 8 वो आपने अभी पढ़ी, इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू व्हिच डिस्क्राइब्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। Kindly suggest. Penalty under reporting is for the under reporting is 50%, whereas for the penalty for misreporting is 200%. 200%. Sir, the very which comes to my mind, एक छोटा सा सेंटेंस जो उसने यूज किया है, I like to read it. Please बोलिए ना, I'm so happy. For the benefit of everybody. Sir. Notwithstanding anything contained in subsection 6 or 7, where underreported income is in consequence of any misreporting. अब यही सी, अब एक मिनट यही रुकिए, धमीजा जी यही रुकिए, यही रुकना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें आएगी, पहले मिसरिपोर्टिंग आई, जैसे पहले राधा रानी आई, पहले बाकी बिहारी आए राजेश जी। हालांकि इट इज नॉट दैट स्वीट हेयर, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर। उसका मेरे ख्याल से जो लेजिस्लेशन, जो एक इनका कहना है, जिस द वे इट हैज बीन वर्डेड विद ड्यू सबमिशन, अरे प्लीज सर, पहले अंडर रिपोर्टिंग में अगर आप मतलब आ गए एंड इट इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अब आगे साथ में सबसेक्शन 9 भी पढ़िए एक बार साथ में, वो भी आनंद आएगा। द केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 9 शैल बी द फॉलोइंग, नेमली, जहां उसने सबसेक्शन 9 में मिस रिपोर्टिंग को चरितार्थ किया है, मतलब एलोबोरेट किया है एग्जॉस्टिवली ए बी सी डी ई एफ। अब ऐसा इसको पढ़ के ये पहले ये जैसे ए बी सी डी ई एफ पढ़िए एक बार जरा धमीजा जी, किसको मिस रिपोर्टिंग कह रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फेलियर टू रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन। हाँ, अब इन छह को एक मिनट आदि साहब जी अपना माइक ओपन सर बंद कर लीजिए सर, इसमें पॉइंट ये है सर कि ये जो छह है मिस रिपोर्टिंग वाले, अगर इनको हम बड़ी लिबरल उदार भाव से पढ़े पावाजी, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ इसी में समा जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, एक मिनट देखिए, सॉरी, इसमें लिखा है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फिर अगली लाइन बड़ी वेग है, और फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरी लाइन क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस, फोर्थ रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिफ्थ फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग ए बियरिंग ऑन इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन छहों में सबसे पहले लैंड कर जाएंगे या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो समझ में आया कि पहले आप देखेंगे कि क्या ये अंडर रिपोर्टिंग का केस बनता है नहीं बनता, और फिर अंडर रिपोर्टिंग का अगर कंफर्म केस बनता है, अगर एसएससी नहीं साबित करता कि मैं अंडर रिपोर्टिंग से बाहर नहीं हुआ हूं, तभी आप मिस रिपोर्टिंग के इन छह क्लॉज में जाएंगे या आप सीधा छह क्लॉज में चले जाएंगे। सर अब क्या, अब सवाल ये उठता है, वेरी राइटली सेड, आपने बहुत अच्छा कहा
कि ये जो क्लॉज 9 है इसके जो 6 लिम्स हैं, इन 6 लिम्स के अलावा भी कोई ऐसे सिचुएशंस हैं क्या क्या ऐसी कोई सिचुएशंस हैं? नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो फिर 6 इसका मतलब तो 6 जिसने बनाए हैं उसको तो बोलना चाहिए भैया तुम इसको इसको लिख दो कि सब कुछ इसी में आ गया। सर वो क्यों लिखेगा? वो जो है ना लिखने वाले ने बड़ी चतुराई करी है, उसने चतुराई ये करी है कि उसने 6 भी लिख दिया। मेरा सेमिनार आपके साथ हमेशा, इसलिए मैं हमेशा आपकी प्रेजेंस को इसलिए हमेशा वो करता हूँ कि आपका साथ इतना इंपॉर्टेंट रहता है। आपने मेरी पूरा सेमिनार सक्सेसफुल कर दिया बात कहकर कि गोयल साहब इन्होंने जो वर्डिंग यूज करी है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको डिसअपीयर करना इतना आसान नहीं है। अभी 10 साल लग जाएंगे धमीजा जी, आप देखना जिस तरीके से हमारे लिटिगेशन चलती है। सर कपिल सर, मैं आपको ये बताऊं, मेरा जो अब इस चीज को दोबारा से अगर हम पढ़ें तो मेरा ये मानना है कि पहले जो है ना, पहला तो वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है ना वो क्लॉज 2 के मुताबिक अंडर रिपोर्टिंग में आती नहीं आती, इनकम इज असेस्ड इज ग्रेटर देन योर इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(1)(a) राइट, और द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट 1, 2, 3 जो आपने उसकी 7 फेरे वाली बात कही, 7 लिम्स कहे थे, उन 7 फेरों में हमारा एक फेरा गलत हो गया तो हम वो क्या है कि वो अंडर रिपोर्टिंग में आ गए। राइट सर, अब अंडर रिपोर्टिंग में आ गए तो हम 50% देने के एक बार बाध्य हो गए एक मिनट के लिए। अगर हम सबसेक्शन 6 से बाहर नहीं जा पा रहे, अच्छा फिर वो उसको अगर हम 6 और 7 के बाहर, उसका जो 7 और 8 में, क्योंकि 6 की लैंग्वेज क्या कह रही है, द अंडर रिपोर्टेड इनकम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, अगर आप इसमें से बाहर आ जाते हैं तो अंडर रिपोर्टिंग वैनिश हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एम आई राइट 100% करेक्ट सर। लेकिन तो अगर और अगर अंडर नहीं, यही एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है धमीजा जी, क्या अगर अंडर रिपोर्टिंग वैनिश हो गया तो फिर मिस रिपोर्टिंग सर्वाइव कर सकता है फॉर एनी मोमेंट? सर नहीं करेगा ना, फिर तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि जो सेक्शन क्लॉज 8 में वो जो उसने वर्ड यूज करा है ना सर, आई नीड योर अप्रूवल, मैं आपकी अप्रूवल मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, आई एम विद यू सर, आई एम विद यू सर, आप हमारी अथॉरिटी हैं। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैंने यही बात तो आप उसी बात को दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं, मैंने भी आपने मेरी बात को और एंडोर्स कर दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मिस्टर गोयल यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट ऑफ दिस 170A व्हिच आई सबमिटेड टू यू इज राइट। देखिए पहले तो हमारे असेसी को ये करना है कि मैं मेरी इनकम लेट्स से वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस, मेरे 143(1)(a) से ज्यादा हो गई, ग्रेटर हो गई इनकम, तो इसका मेरी अंडर रिपोर्टिंग तो एक तरह से डिपार्टमेंट के एक बार के लिए हो गई। अब मैंने आपको कहा, आपने हमारा ध्यान दिलवाया क्लॉज 6 की तरफ, क्लॉज 6 उसमें भी सबसे पहले ए वाला जो जनरल। अच्छा अब हम क्लॉज 6 में अगर किसी तरह बाहर हो जाते हैं, हम कहते हैं जिसकी संभावना सबसे कम है, सॉरी जिसकी निल है, हम ये मान के चलते हैं। हाँ जी, देखो दो तरफा लड़ाई है, डिपार्टमेंट ये कहेगा कि अगर अंडर रिपोर्टिंग हमारी हो गई तो वो मिस रिपोर्टिंग का केस बना रही है। यही रुकी ना धमिता जी, एक टेस्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल माइक लेकर, जैसे माइक टेस्टिंग होता है, राजेश जी को अच्छा भी लगेगा, इनका फेवरेट पेनी स्टॉक, और जैसे मान लीजिए किसी का डिपार्टमेंट कहता है पेनी स्टॉक का ट्रांजेक्शन है 1038 बोगस पेनी स्टॉक LTCG और उसका एडिशन हो जाता है 148 के असेसमेंट में या 143(3) में, 148 में ज्यादा होगा, तो क्या उस 148 के असेसमेंट में जो भी पेनी स्टॉक के एडिशन हुए हैं क्या उन पे पेनल्टी लग पाएगी मिस रिपोर्टिंग की, अंडर रिपोर्टिंग की? माई क्वेश्चन इज दिस, भाई डिपार्टमेंट अंडर रिपोर्टिंग तो बन ही गई है एक बार। सर आप नोट करिए, अब जमीन अब जुगल बंदी सर, यही पॉज लीजिए सर, देखिए क्या है, काइंडली बियर विद मी नाउ फॉर मी, आप अभी 2 मिनट अपनी 2 सेकंड मेरे लिए बियर करिए। मैं ही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने केस स्टडी आपकी बात के साथ साथ इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर किसी आदमी का, पावाजी बीच में पूछ भी रहे थे और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा क्योंकि इस बार के असेसमेंट्स में पावाजी 68 के एडिशन बहुत सारे हुए जहां उन्होंने सो कॉल्ड बोगस परचेज, सो कॉल्ड पेनी स्टॉक, सो कॉल्ड शेयर कैपिटल एकोमोडेशन एंट्री बहुत सारी मई 2023 में ऐड किए हैं। पर मेरा सबमिशन मेन उससे एक और अभी पेनल्टी के पर्सपेक्टिव से आज के चैप्टर में ही है टॉपिक में राजेश बाबू, कि क्या उस एडिशन पे पेनल्टी लग सकती है?
एक थ्योरी है सर जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, आप नोट कर लीजिए, इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस। थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस क्या होती है सर, कि मैंने अपना पक्ष प्रूव नहीं किया, सामने वाले ने मेरे पक्ष को डिसप्रूव नहीं किया। जैसे मैंने ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये लोन जो मैंने पावा जी से लिया था राजेश अग्रवाल जी से, ये जेन्युइन है, और डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये लोन जो राजेश अग्रवाल जी ने पावा जी ने कपिल गोयल को दिया था, ये कपिल गोयल की अनअकाउंटेड इनकम है। तो इस स्थिति को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस, जहां दोनों पार्टी सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। तो वहां टैक्स तो लग सकता है, ब्याज लिया जा सकता है, बट पेनल्टी नहीं लग सकती। इसको इसके लिए लैंडमार्क ऑर्डर में आपको जो लिखवा रहा हूँ, मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर लिख लीजिए 430 ITR, कि 90% 68 के एडिशन में पावा जी पेनल्टी नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो सारे थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस के अराउंड घूम रहे हैं, चाहे वो लोन है, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो गिफ्ट है, चाहे वो सो कॉल्ड पेनी स्टॉक है। और उसका सर, जो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट जो आप बात कर रहे हो ना, वो इट मे इट इज लाइकली टू फॉल विद इन क्लॉज ए और बी ऑफ द क्लॉज 6। भाई मेरा पर दमेजा जी आपको पता है हमारे, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो फिट हो जाना चाहिए, बट वो जब तक, सी दो बातें सर, एक तो हम जब तक जजमेंट का तड़का नहीं लगाएंगे किसी को, हमारी बात में वेट नजर नहीं आता, ये दुर्भाग्यपूर्वक है। हम लॉ के ऊपर अगर आपको मैं सभी से, आपका कोई गोल साहब बड़े बात भी हो, आपको हमने सेमिनार में इसलिए थोड़ा बुलाया कि सिर्फ सेक्शन पढ़ाने के लिए, जजमेंट तो बताओ कम से कम। राजेश जी, तुम मुझे अभी हाथ क्या सुना देंगे दो बातें। दूसरी बात, सॉरी मजाक में बोल रहा हूँ, दूसरी बात कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स लॉ में जजमेंट लॉ, यू नो बेटर देन मी सर, यू आर ए वेरी वेटरन, तो इसीलिए जजमेंट का आपकी अपील में पेनल्टी लग गई और आपको पेनल्टी में अपील में जाना पड़ गया, तो वो तो जजमेंट तो हमें काम जजमेंट ही आना है। तो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट फिर भी आप नोट कर लीजिए, यू विल लव टू रीड इट, बालाजी जैकॉब 430 ITR 259, 430 ITR पन्ना नंबर 259। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने क्या लिखा है राजेश बाबू, कि जितने भी एडिशन डिपार्टमेंट 68 के करता है, जैसे ट्रेड क्रेडिटर के, चंद्रे क्रेडिटर के, ये शेयर कैपिटल के 68 वाले, उसमें ज्यादातर ये रहता है कि डिपार्टमेंट के पास ये एविडेंस नहीं होता कि ये पैसा असेसी की अपनी इनकम है। जो थोड़ी देर पहले पावा जी मैं बोल रहा था ना, कि अगर आपने मान लिया 10 लाख रुपए आपकी इनकम है और डिपार्टमेंट के पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपके पास इतना पैसा है, तो पेनल्टी नहीं लग सकती। ये बालाजी जैकब भी बोल रहा है, और मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उस जिन्होंने लिखा था, वो शिवंगनम साहब थे, टी एस शिवंगनम, अब वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। तो अब उनका व्यू ये है, इट्स वेरी वन ऑफ द मोस्ट इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट जज विच आई लाइक मतलब फॉलो इज जस्टिस शिवंगनम। तो उनका लिखा फैसला है राजेश बाबू, ये मद्रास हाईकोर्ट का बालाजी जैकॉब, और ये आधी से ज्यादा सिचुएशन में फिट हो जाएगा दवाई। देखते ना, आप बोलते हैं कि गोल साहब कोई ऐसी दवाई बता दे हमें, ज्यादा ना पढ़ना पड़े, एक दवाई ले उसको चिपकाए और आगे बढ़ाए, तो ये फार्मूला फिट होगा। क्यों, इस फार्मूले में क्या सेंस है? और वो बात तमीजा जी ने भी मेरी इंडिकेट कर दी कि 270A सबसेक्शन 6 अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, वो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, वो भी सपोर्ट करता है। बट जजमेंट का सपोर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस का सपोर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस आप समझते हैं, वो कहां से मिल रहा है? वो इस जजमेंट से मिल रहा है मद्रास हाईकोर्ट के, और इसमें बहुत सारे जजमेंट और भी रेफर्ड है राजीव बाबू, जिसमें ये बात निकल के आई कि क्या किसी आदमी के केस में अगर आपने पेनी स्टॉक का एडिशन कर दिया तो क्या पेनल्टी लग जाएगी, या क्या आपने अनसिक्योर्ड लोन, जैसे मैंने अनसिक्योर्ड लोन लिया, लेटर से रमीजा जी आपसे, और मैं अनसिक्योर्ड लोन में डिपार्ट, आपको पता है बड़ा मुश्किल है, सोर्स ऑफ सोर्स प्रूव नहीं कर पाया। सर मैं रिप्लाई सर प्लीज, व्हाई नॉट सर, द पॉइंट इज it purely depends upon my evidence adduced in respect of those undisclosed loans, unsecured loans, sorry. So unsecured loans jo mere jab aapne undisclosed bola to main ek baar ghabra gaya tha, sorry, unsecured nahi. that was a misspelled bola mein galti ho, sir nahi sir सर तुसी सीरियसली अनसिक्योर्ड लोन्स डिपेंड करता है कि अगर मेरा एविडेंशियल सारा सारी चीजें मेरी कंप्लीट है, चाहे मेरा कुछ भी अरेंजमेंट है, लेकिन मेरी सारी कंप्लीट है, तो आई मे फॉल आउट ऑफ द क्लॉज बाय वर्चू ऑफ क्लॉज 1 और जो आपने जजमेंट बताई है मद्रास हाई कोर्ट। उससे अगर मैं 6 में से क्लॉज 6 में अगर अपने आप को निर्दोष बता देता हूँ और वो इनोसेंट राजेश अग्रवाल जी, हु इज अ वेरी रिच मैन, ही गिव्स लोन टू हिज पुअर फ्रेंड कपिल गोयल,
poor friend Kapil Goyal gets loan of 10 lakh rupees. Kapil Goyal assessing officer says कि राजेश बाबू पैसा कहां से लेकर आए, ये तो बता नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा हाथ में कपिल गोयल जोड़ देंगे, पैसा इन्होंने मुझे दिया, अब ये बेचारे तो इन्होंने दया करी मेरे पे, अब मेरा ये पूछ रहा है इनसे तुम बताओ पैसा तुम कहां से लाए हो कपिल गोयल को देने के लिए, ये तो कह रहे मैंने गोयल साहब को लोन देकर ही बहुत बड़ा गलती कर दिया है, ऐसा तो काम करना ही नहीं चाहिए था, पर एडिशन किसके हाथ में हो गया इनके ना बताने से, ये क्यों बताएंगे अपना सारा कपिल गोयल के हाथ में। अब क्वेश्चन ये है दादा सर रविजा जी, मैंने कितने किलो कागज दिए, कितने वेटियस कागज दिए, कितने वॉल्यूमिनस दिए, कितने वर्दी दिए, ये बात नहीं है, यहां बात ये है, आप नोट करिए, व्हाट फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड वर्सेस फैक्ट्स डिसप्रूव्ड में क्या अंतर होता है, क्या डिपार्टमेंट इस बात को फैक्ट को डिसप्रूव कर पा रहा है कि ये जो राजेश अग्रवाल है जिन्होंने कपिल गोयल को चेक से लोन दिया, ये राजेश अग्रवाल कपिल गोयल का क्रिएट किया हुआ, कपिल गोयल ने पहले कैश दिया था इनको और इन्होंने चेक दिया मुझे, कभी भी नहीं प्रूव कर रहा हूं, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था जो फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए, ये बात सेटल लॉ है, एविडेंस लॉ का पार्ट है, आप नोट कर लीजिए, फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड वर्सेस फैक्ट्स डिसप्रूव्ड, इसमें क्या फर्क होता है, अगर आपने फैक्ट्स प्रूव नहीं करें तो क्या ये मान लिया जाएगा कि फैक्ट्स डिसप्रूव हो गए? नो नो वो तो बस बात खत्म होगी सर, फिर पेनल्टी का कोई नहीं लग सकता, पेनल्टी चल लग जाएगी फिर कोई उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा सर, फैक्ट्स प्रूव सर, फिर ये आपने जो अभी आपने बात कही है तो ये फिर बाकी तो आपने लड़ना है हमारे बिहाफ पे। नहीं 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 लड़ने क्या, नहीं सर मैं तो आपके साथ, देखो मैं आपको फोर्सफुली, आप सब मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से कई गुना विद्वान है पावा जी, ऐसे तो ना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपनी बात थोपने के लिए, आप बताइए अगर फैक्ट्स मैं प्रूव नहीं कर पाया तो क्या ये मान लिया जाएगा कि फैक्ट्स डिसप्रूव हो गए? सर अब मैं थोड़ा सा इसे टर्न देता हूं सर, दो मिनट आपने कहा फैक्ट्स जो प्रूव नहीं कर पाए, शुड इट बी टेकन दैट द फैक्ट्स आर नॉट प्रूव, अब सवाल ये है कि मैंने सारे फैक्ट्स दे दिए, आई हैव गिवन ऑल दी एविडेंसेस अवेलेबल विद मी व्हिच इज एट माय कमांड एंड आई एम एक्टिंग बोना फाइडी, मैंने आपने कपिल जी ने, हम मान लेते हैं कि बिल्कुल ठीक लोन लिया राजेश अग्रवाल जी से जो आपने एग्जांपल दी, अब राजेश अग्रवाल जी की क्या देखेगा डिपार्टमेंट, देखिए वो आगे की बात है कि जेन्युइनिटी है, क्रेडिट वर्थीनेस है, ये है वो है, वो उसमें जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आपके और आप राजेश अग्रवाल जी के बीच की ट्रांजैक्शन को अब कैसे अनअप्रूव करेगा डिपार्टमेंट, दे विल नॉट डिसअप्रूव इट, मैंने क्या ऐसा अरेंजमेंट किया है कि भाई आप उसको डिसअप्रूव करो, फिर वो पेनल्टी नहीं लग पाएगी सर, फिर पेनल्टी ना मिस रिपोर्टिंग की लग पाएगी ना अंडर रिपोर्टिंग की लग पाएगी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम एक बार अंडर रिपोर्टिंग से बाहर आ गए बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्लॉज 6 एंड बाय योर दिस सपोर्ट ऑफ व्हाट यू जजमेंट यू हैव सेड मद्रास हो एक हाई कोर्ट की, हम फिर क्या है कि भी ऑटोमेटिकली एक और एग्जांपल ले लेते आजकल बहुत चल रहा है, आपने आपने कैश आपने आपने कैश कैश सेल करी किसी को, आप ज्वेलर हैं, आपने कैश माल कैश में बेच दिया किसी को और आपने पता नहीं रखा डिपार्टमेंट, और आपने किताबों में सेल रिकॉर्ड कर दिया, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एडिशन डिमोनेटाइजेशन में किए और उसके बाद आज तक भी करता रहा है, उन्होंने इसको मान लिया कि ये जो पैसा आपका एडिशन है, अच्छा देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ, पहले दो मिनट दमीजा जी आप अभी दो मिनट, हम मैं क्लोज करूंगा फिर उसके बाद हम डिस्कशन ले लेंगे, क्योंकि मेरे को राजेश अग्रवाल जी ने सेक्स इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि गोयल साहब 7 बजे के बाद की लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, मेरे पास 15 मिनट प्लीज सॉरी, क्योंकि 15 मिनट ये आपके लिए रेखा नहीं है, सॉरी राजेश भाई आई हैव टू डिस्क्लोज दिस, नहीं 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 सर यू आर लाइटर साइड एनी टाइम सर, यू आर फ्री सारे साल सवा सात एज यू लेबिस सर, अरे नहीं 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 साढ़े सात सवा सात नहीं था, इतना बोर को ना करना है तो आई हैव, नहीं राजेश सवाल ये है कि ये जो पॉइंट है ना जो आज हमारे निगाह में भाई साहब लाए हैं कपिल भाई साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि पेनल्टी जो की क्या पहले 50% के उसमें फॉल करती है या नहीं करती, और अगर फॉल करती है कंफर्म हो रही है तो सीधी वो क्या हमें वो 200% में खींच सकता है या नहीं खींच सकता, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब दमीजा जी प्लीज काइंडली अप्रिशिएट सर, अगर कोई एडिशन किसी का जैसे होता है, जैसे एक तो केस प्रैक्टिकली राजेश बाबू क्या हुआ कि जैसे मैंने बात करी कि 68 का एडिशन हो गया, तो कोई कह सकता है गोयल साहब 68 का एडिशन तो 270A में आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखिए 271AAC एक सेक्शन खोलिए, 271AAC में लिखा है सर, 271AC दमीजा जी क्या कहता है सेक्शन 271AA, ये और एक और आपको इंटरप्ले दिखा रहा हूँ, हालांकि इसका कोई आंसर अभी तक नहीं आया पर ये आगे आने वाले टाइम में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, 271AAC कहता है सर द असेसिंग ऑफिसर और द कमिश्नर अपील एक्सेट्रा
may not be standing anything contained in this act other than the provisions of 271AAB. Direct that. अब 271AAC की पेनल्टी कहां लगेगी पावा जी? अगर आपने सेक्शन 68 का एडिशन किया है ना, लिखकर 68, 69, 69A, तो आप पे पेनल्टी अगर लग सकती है तो ये कहता है सेक्शन 271AAC 270A में नहीं लगेगी, 271AC में लगेगी. इसमें लिखा हुआ है 271AC के सबसेक्शन 2 में नो पेनल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 270A शैल बी इंपोज अपॉन द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1. तो 271AAC के सबसेक्शन 1 में कौन सी इनकम रेफर्ड है, राधे श्याम जी भी ध्यान देंगे, तो उसमें पांच इनकम रेफर्ड है सेक्शन 68, 69, 69A. तो बात ये हुई सर कि पावा जी अगर किसी ने 68 सेक्शन लिखना रह गया, ये उसे बहुत सारे होते हैं सेक्शन ही नहीं लिखते इसमें एडिशन किया है, तो आपका केस 270A के घर में जाएगा या 271AC के घर में जाएगा? आप कहेंगे गुलजार आप ही बताइए जल्दी से. तो मैं बता रहा हूं सर, 271AAC का पेनल्टी का प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है राजेश जी. वो किस पे लगता है? जहां 68 का एडिशन है 69 का. डिपार्टमेंट अगर 270A की पेनल्टी लगा देता है 68 वाले केस में तो वो भी सरासर गलत. एम आई विद यू पावा जी? तो 271AAC ध्यान में रखें. और 271AAC के अंदर पेनल्टी का अमाउंट कितना है? 271AAC के अंदर पेनल्टी का अमाउंट होगा जो आप पे टैक्स लगा 115 बीबी का, उसके अलावा 10% ऑफ टैक्स अंदर 115 बीबी. अब लोग बोलेंगे गोयल साहब हमारे लिए 200, अब मैं संक्षिप्त में कहता हूं राजेश जी, 271AAC में जाना किसी के लिए बेनिफिशियल होगा या 270A में जाना होगा? सर बड़ा आसान नहीं है, इसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए. जिसके जो फिगर्स है ना, आप समझते फिगर्स का मतलब, सॉरी, कि जिसके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उससे मैं आपको ऐसे कैसे बता दूंगा कि 271AAC में आप पे कम वजन, आपका खून कम निकलेगा या 270A में कम खून निकलेगा? आप समझ गए, मैं दोबारा समझाऊं ये बात. 271AAC की पेनल्टी 68 वगैरह में लग सकती है, उसका अमाउंट है 10% एडिशन टू 115 बीबीई का टैक्स. 115 बीबीई का टैक्स अपने आप में जहर की तरह है, पॉइजन की तरह, सॉरी, जो भगवान शिव ने पिया था, 60% टैक्स. अगर किसी पे 115 बीबी का टैक्स और 271AAC की पेनल्टी लगे, पावा जी एक कैलकुलेशन कर लीजिए सीए की तरह, और एक किसी पे नॉर्मल टैक्स लगे और 270A की मिस रिपोर्टिंग लगे, छोड़ दिया, आप अपने आप एनालाइज करते रहिए. बट कानून का तमीज क्या है? कानून का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज को लेजिस्लेचर की इंटेंशन हो कि वो 270A में भी फॉल करेगी और 271AAC में भी फॉल करेगी. और डिपार्टमेंट ने जहां पर दोनों सेक्शनों में एक ही चीज पे पेनल्टी इनिशिएट कर दिया ऑब्लिक लिखकर, वो पेनल्टी टोटली गलत है. मैं दोबारा बताऊं इस बात को सर, 270A भी लिख दिया और 271AAC भी लिख दिया, दोनों गलत हो गई. इसका मतलब वो कंफ्यूजन में है, मिस्ट्री में है, सस्पेंस में है, उनको कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा सेक्शन है. अब आगे बढ़ते हैं राजेश बाबू. 271AAC इज द स्पेसिफिक पेनल्टी टू सेक्शन 68 एक्सेट्रा एंड सेक्शन 271AAC सबसेक्शन 2 सेज कि जहां 271AAC लागू होगा वहां पर आपका 270A लागू नहीं होगा. तो एक तो 271AAC हो गया, एक आप नोट कर लीजिए सर, सब 271AAB. पावा जी सर्च केस में जो पेनल्टी लगेगी वो 271AAB के अंदर लगेगी. अब क्वेश्चन है कि क्या सर्च वाले केस में सिर्फ सेक्शन 271AAB लागू होगा या उसमें 270A भी लागू हो सकता है? अब जो पढ़ रहे थे दमीजा जी, आप वहीं आ जाओ, सेक्शन 270A सबसेक्शन 6, उसके अंदर जो सबसेक्शन 6 के नीचे वाला, सबसे नीचे वाला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. 270A सबसेक्शन 6 के सबसे नीचे लिखा है जो चीज 271AAB में कवर्ड है वो 270A में नहीं आ सकती. मतलब साधारण जिसके ऊपर सर्च वाला प्रोविजन लगता है पेनल्टी का, धारा 271AAB, उस पर धारा 270A नहीं लगे. तो आपको पावा जी इसका इंटरप्ले डिसाइड करने में भी बहुत मेहनत लगेगी, कौन सा केस 270A का है कैटेगरी में, कौन सा केस 271AAB का है सर्च वाला, कौन सा केस 271AAC का. मैं रिपीट करूं सर, इन तीनों सेक्शनों का इंटरप्ले आपस में ही बड़ा डायनामिक है, 270A वर्सेस 271AAB वर्सेस 271A. तो आप कहेंगे गोल साहब इसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला सर, इसका पल्प जूस ये निकला राजेश जी, इसके लिए बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी कि आपकी एक पर्टिकुलर फैक्ट सिचुएशन में आप 270A में फिट होते हैं, 271AAB में फिट होते हैं या 271AAC में फिट होते हैं. इसको आपको एक कैसे कहना कहूं मैं, फैक्ट्स के हिसाब से और एप्लीकेबल लीगल पोजीशन के हिसाब से और तीनों को हार्मोनियसली इंटरप्रेट करके आपको डिसाइड करना. बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं पावा जी, ना तो 271AAB वाली पेनल्टी मैंडेटरी है, अमाउंट फिक्स है,
बट पेनल्टी लगाना नहीं लगाना सब जगह डिस्क्रिशनरी है. कोई कहता है गोल साहब सेक्शन 68 का एडिशन हो गया तो क्या 271 एएसी की पेनल्टी मैंडेटरी है? नो. क्या 271 एबी की पेनल्टी मैंडेटरी है राजेश जी? आंसर इज नो. नो. अगर कोई भी पेनल्टी अगर मैंडेटरी हो जाएगी, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी. मे आई साइट द ऑर्डर ऑफ डॉक्टर प्रणब रॉय बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इन दिस सुप्रीम कोर्ट सेज इफ ए प्रोविजन ऑफ पेनल्टी इज काउज इन ए मैंडेटरी लैंग्वेज देन माइट बी इट कैन बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो. सो पेनल्टी बाय इनहेरेंट नेचर राजेश जी हैज टू डिस्क्रिशनरी. So 270 A penalty is discretionary, 271 A B penalty is discretionary, 271 A C discretionary. अब लास्ट के 10 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे केस इंडिया में दिल्ली में इस पे चल रहे हैं. सर सेक्शन 269 SS में एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2015 से कि जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित सेल से पैसा कैश में ले लेंगे उनपे सेक्शन 269 SS के तहत पेनल्टी लग सकती है, जिसमें उन्होंने एडवांस और अदर वर्ड डाल दिया. If you recall, तो मैं इस केस स्टडी को डिस्कस कर रहा हूं कि लेट अस से मैंने एक सेल डीड कराई पावा जी के नाम पे, मैंने प्रॉपर्टी बेची, इन्होंने कहा मेरे पास कैश देने के लिए ही है, मैं चेक नहीं दे सकता हूं, मैं प्योर एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं या एग्रीकल्चरिस्ट नहीं भी है, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट की उन्होंने एक एग्जल से भी बोला हुआ है 269 एसएस, वो बोलते हैं कि आई विल गिव इन कैश. गोयल साहब आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेचो, नहीं बेचनी है तो मत बेचो. मुझे ज्यादा पैसे दे रहे थे तो मैंने राधेश्याम जी को प्रॉपर्टी बेच दी. सारा पैसा कैश में आया, कोई अनडिस्क्लोज नहीं था. उन्होंने सेल डीड में लिखा हुआ है इनकी फोटो के साथ, मेरी फोटो के साथ विटनेस की, इतना पैसा दिया. अब वो सेल डीड हुई, उस पर जो कोई चोरी नहीं हुई स्टैंप ड्यूटी की, जितनी स्टैंप ड्यूटी बनती थी दी. क्या इस चीज के ऊपर 269 एसएस की पेनल्टी लग सकती है अगर ये अमाउंट 1 करोड़ है, 50 लाख है, 10 करोड़ है, जो भी है, मेरे हाथ में मैंने रिसीव किया आफ्टर 1 जून 2015 आफ्टर द अमेंडमेंट इन सेक्शन 269 एसएस After the specified sum word डाला हूँ. Specified sum का मतलब advance received in relation to sale of property or otherwise. Advance or otherwise. तो क्या जो sale deed में consideration ली गई है आप उसको advance और otherwise में डाल देंगे? और दूसरी बात, क्या legislature की intention थी कि जो sale deed के through पैसा आ रहा है cash में उस पर भी 269 SS की penalty लग जाएगी? और उन सबसे बड़ा सवाल, assessment से related penalty तो हमने discuss कर ली 270 वगैरह, क्या पावा जी ये 271 डी की पेनल्टी, क्योंकि 269 एसएस की पेनल्टी कहां लगती है? 271 डी में. 269 टी की रीपेमेंट की पेनल्टी लगती है 271 ई में, और एक 269 एसटी अलग है, वो अलग है. तो आप बताइए क्या बिना असेसमेंट के डायरेक्टली ये पेनल्टी इनिशिएट हो सकती है 269 एसएस की, 269 टी की या 269 एसटी की, बिना असेसमेंट के, बिना असेसमेंट में पेनल्टी इनिशिएट किए हुए क्या डायरेक्टली पेनल्टी का इनिशिएशन हो सकता है? हजारों केस इंडिया में सर इन्होंने किए हैं पिछले दिनों में, पिछले सालों में, डायरेक्टली 269 एसएस की, 269 टी के वायलेशन की पेनल्टी बिना उस आदमी पे उस साल की 143(3) की असेसमेंट किए हुए डायरेक्टली पेनल्टी इनिशिएट, डायरेक्टली पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई. सर लगा भी दी, लगा नोट कर लीजिए सर, इसी का उत्तर देना है ना मैं, टू मेक माई डिस्कशन मोर वर्दी. 379 ITR 521 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जयलक्ष्मी राइस मिल्स, दिस इज अ लीडिंग लॉ. जयलक्ष्मी राइस मिल्स 379 ITR 521 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल दिस पेनल्टी सर, मेड बी बुक्स वाला पेनल्टी, ऑडिट वाला पेनल्टी, कैश लोन वाला पेनल्टी, ये जो रियल एस्टेट वाला पेनल्टी एक्सेट्रा, ऑल दिस हैज टू टेक बर्थ फ्रॉम द मदर बॉम्ब ऑफ वैलिड असेसमेंट. इफ देर इज नो वैलिड असेसमेंट एंड देर इज नो इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी इन द वैलिड असेसमेंट, डायरेक्टली पेनल्टी कैन नॉट बी इनिशिएट. एम आई विद यू? The logic is this, कि department cannot take cognizance of any offence of this penalty directly suo moto without assessment and trial being there. आपको कैसे पता चलेगा सर कि किसी ने ये कर रहा है नहीं कर रहा है ये particular transaction इस तरीके से? सीधा पता लग जाएगा registrar की information से राजेश जी. आपको आपके पास bulk information आ गई, आपके पास data mining से information आ गई, तो पावा जी पता लग जाएगा तो किसने की transaction करी, ऐसे कैसे पता चलेगा सर? इसीलिए कानून की मुझे लगता है बात बहुत इंपॉर्टेंट है. 379 ITR 521 बिना वैलिड असेसमेंट के डायरेक्टली 269 एसएस वगैरह की पेनल्टी इनिशिएट नहीं. दूसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहता हूं इस केस स्टडी में ये है कि अगर आपने कोई पैसा सेल डीड से लिया और एक पैसा सिर्फ आपने एग्रीमेंट करके लिया, दोनों में जमीन और आसमान का, जो पैसा सेल डीड के जरिए आ रहा है उस पर पेनल्टी 269 एसएस की नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, बिकॉज कि जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन इज अबव बोर्ड. जब आपने रजिस्टर्ड सेल डीड करा दी और उस पर स्टैंप ड्यूटी दे दी,
तो उसके उसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता राजेश जी कि ये बोगस ट्रांजेक्शन है या शैम ट्रांजेक्शन है या ब्लैक मनी इन्वॉल्व है इसमें. एम आई विद यू कि इफ यू सी सपोजिंगली आई टेक एग्रीमेंट मनी फ्रॉम यू ऑन एग्रीमेंट बेस ओनली, जो मैं कहता था कई बार कि हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, हमें पैसा हमने मिल गया, हमें प्रॉपर्टी सेल का एग्रीमेंट कर लिया, वो नहीं चलेगा. अगर आपने सेल डीड के जरिए पैसा लिया है तो आप पे 2-3 SS की पेनल्टी नहीं लगेगी, लगनी चाहिए. अगर आप पूछे मुझसे, मेरे पिताजी पूछते हैं राधे श्याम जी की, बेटा ये बताओ कि अभी मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी कैश में बेच रहा हूँ, क्या मुझे बेचनी चाहिए? मैं उनको पहले एडवाइस ये दूंगा भैया जी कि बिल्कुल मत बेचिए पिताजी, मत लीजिए, कोशिश करिए, चेक लीजिए, क्योंकि लिटिगेशन होगी, डिपार्टमेंट आप पे 50 लाख रुपए के ऊपर पेनल्टी लगा देगा. इससे बेटर है कि आप पहले में उनको आप अगर प्रिवेंटिव स्टेज पे एडवाइस दे रहे हैं तो ये कहेंगे चेक लीजिए, चेक लीजिए, चेक लीजिए. पोस्टमार्टम स्टेज पे मेरे पास आ जाता है, पोस्टमार्टम समझते हैं आप, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा. 79 ITR 521 बिना असेसमेंट के पेनल्टी नहीं हो सकती. लड़ने के लिए पॉइंट नंबर 2, अगर सेल डीड हो गई और जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रूव्ड है तो पेनल्टी नहीं लग सकती. इसके लिए अखिलेश यादव साहब का और डिंपल यादव का इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है. अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनकी मिसेस इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, अगर ट्रांजेक्शन कैश में भी है और अगर जेन्युइननेस प्रूव्ड है तो पेनल्टी 269 SS की नहीं लग सकती. डिंपल यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट एंड अखिलेश यादव. थर्ड पॉइंट, सेक्शन 273 भी आप सब नोट कर लें सर, जितनी भी पेनल्टी 270A के अलावा है ज्यादातर 273B के रीजनेबल कॉज वाले फार्मूले में आ जाती है. रीजनेबल कॉज का मतलब क्या है, अगर एसएससी ये प्रूव कर देता है धमीजा जी कि उसका ये काम करने के पीछे, ट्रांजेक्शन करने के पीछे कोई रीजनेबल कॉज है, तो उसको पेनल्टी से मुक्ति मिल जाएगी. अब रीजनेबल कॉज कहां है, सेक्शन 273B में. अब रीजनेबल कॉज की परिभाषा क्या है ये समझ लीजिए. रीजनेबल कॉज का मतलब जो एक रीजनेबल आदमी के हिसाब से रीजनेबल कॉज, किस चीज को आप रीजनेबल बोलेंगे ये फैक्ट्स बताएंगे. बट अगर इसका आप जनरल फार्मूला पूछे तो सेक्शन 273B का पावा जी, इसका मतलब ये कि आपने कोई फिर वही बोनाफाइड सेंस में करा है. आपने एक बोनाफाइड ह्यूमन बीइंग के नाते आपने कैश ले लिया किसी से, आपको जरूरत थी, अर्जेंट एक्सिजेंसी थी, आप समझ रहे हैं. तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि 269 SS की पेनल्टी इनिशिएट नहीं हो सकती. दूसरा पॉइंट मैंने बताया अगर ट्रांजेक्शन जेन्युइन है तो आप पे 269 SS की पेनल्टी नहीं लग सकती. तीसरा पॉइंट बताया सेक्शन 273B रीजनेबल कॉज. रीजनेबल कॉज के ऊपर 2 जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप नोट कर लीजिए. एक जजमेंट मेन बता देता हूं सर, सिंगापुर एयरलाइंस 4 ITR 203, आप सब नोट कर लें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. सिंगापुर एयरलाइंस 449 ITR 203, सिंगापुर एयरलाइंस सुप्रीम कोर्ट. रीजनेबल कॉज का मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसने ये बताया है पावा जी इन्होंने कि अगर किसी चीज पे 2 व्यूज पॉसिबल है, किसी चीज पे डिबेट पॉसिबल है, आपने बोनाफाइडली ये काम किया है तो वो रीजनेबल कॉज माना जाएगा. तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर ये कैश वाला ट्रांजेक्शन का जो मैंने केस स्टडी डिस्कस किया, इसका भाव ये था कि मैंने तो पेनल्टी लगा दी लोगों पे जैसे आप बता रहे हैं, पर वो आधी से ज्यादा पेनल्टी पावा जी गलत. ना तो उनकी ज्यूरिडिक्शन सही है, ना उन्होंने जजमेंट ऑर्डर के थ्रू किया है, ना उन्होंने तो देखा कि इसका सेल डीड है या एग्रीमेंट वाला ही केस है, ना उन्होंने देखा कि इसका रीजनेबल कॉस्ट बनता है नहीं बनता. सेल डीड वाले केसों में भी लगाई है पेनल्टी, मेरे तभी मैं डिस्कस करा सर. मेरा सबमिशन आप समझ गए, आई बिलीव कि ये नहीं है कि आपने सी कि अगर ऐसा होता राजेश बाबू कि सारी कैश ट्रांजैक्शन बैन हो गई होती तो इसको रीजनेबल कॉस्ट से लिंक करने की क्या जरूरत थी फिर. इसका मतलब और आप याद कर लीजिए रूल 6DD 40A3 में जो कैश ट्रांजैक्शन के पीछे रूल 6DD कितना बड़ा रूल 6DD बना हुआ है. 6DD यहाँ 273B में लगाया जा सकता है, ऐसा भी मेरा मानना है. मैं दोबारा बोलूं क्या मैंने बोला सर, 40A सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि आप कैश इतने अमाउंट से ऊपर का परचेज नहीं करेंगे कैश. उसका एक एक्सेप्शन है रूल 6DD जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं राजेश जी कि इसमें आप कर सकते हैं कैश परचेज. एक्सक्लूजन रूल 6DD वाले एक्सक्लूजन क्या 273B में इंपोर्ट नहीं किए जा सकते. आप कैश लोन लेंगे या कैश स्पेसिफाइड सम लेंगे तो मेरा सबमिशन ये पावा जी कि रूल 6DD से हम स्ट्रेंथ यहां पर भी ले सकते हैं. मानेगा किस स्टेज पे AO मान जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिसके 90% नहीं हमें लिटिगेशन में ही जाना पड़ेगा. बट हमारा इसको सबको बात को ध्यान में रख के बने 273B को असेसमेंट पेनल्टी इनिशिएट होती नहीं होती और जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन को जरूर हाईलाइट करिए. जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैं आपको बता रहा हूँ. बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हुआ है, दोनों पार्टी कंफर्म कर रही है, कोई अदरवाइज और ट्रांजेक्शन ऑलरेडी किताबों के अंदर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं बात बच गए, हाँ बोले इसमें सर्कल रेट का भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि अगर हमने अपनी रजिस्ट्री सर्कल रेट से ऊपर कराई है या नीचे कराई, काफी नीचे है या ऊपर है. सर्कल रेट से ऊपर है तो काफी जेन्युइननेस आ जाती है, शो होती है थोड़ी सी, ऐसा भी ये आप बहुत गोल साहब आप ये जो पॉइंट बोल रहे हैं सर कि गोल साहब अगर 50C का
ऊपर से सर्कल रेट के ऊपर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये और उसकी उसकी बोनाफाइडनेस को जेन्युइननेस को स्ट्रेंथन कर देगा। गोयल साहब, मैंने राधेश्याम जी, मैंने तो आपके सामने जो जो सबके हेल्प हो सके और जिसमें सारे फिट हो जाए, यू आर राइट, किसी के डीएनए के हिसाब से, किसी के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम उसको एड ऑन कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंट का टेम्परामेंट देखिए ना क्या है, उसको तो एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई रजिस्ट्रार से कि कपिल गोयल ने प्रॉपर्टी बेची है पावा जी को, तो पेनल्टी लगा दी उन्होंने। जबकि उसके पीछे ट्रांजेक्शन सेल डीड से हुई है नहीं हुई है, उसके अंदर जेन्युइननेस क्या है, एवरीथिंग हैज टू बी सीन ना, आप सीधा पेनल्टी का नोटिस थोड़ा दे सकते थे। और लास्ट में धमीजा जी, जो सबसे खतरनाक सेक्शन है जिसकी अभी पेनल्टियां मुझे पता नहीं लगी, नहीं लगी, 271AAD जो मैंने शुरू में बोला था, फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री, बहुत खतरनाक है सर। उसपे उस सेक्शन में तो ये लिखा है कि जो उसको अबेट करेगा ओमिटेड एंट्री को, उसमें भी पेनल्टी लग जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करिए बांके बिहारी से, राजेश जी के थ्रू, की 271AAD की पेनल्टी का मुंह ना देखना पड़ेगा। और 271AAD की पेनल्टी इतनी डेंजरस है राधेश्याम जी कि उसके अंदर अगर कोई फंस गया तो उसको कोई और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, वो पेनल्टी ही काफी है उसको हिट करने के लिए। यू नो द सेक्शन सेज कि अगर किसी आदमी के केस में फॉल्स एंट्री पाई गई, फॉल्स एंट्री की परिभाषा उन्होंने बड़ी वाइड दी है कि कोई गुड सप्लाई नहीं हुए, आपने बोगस बिलिंग कर दी, जैसे फेक बिलिंग वाली बात जीएसटी में होता है ना, तो उस पर ट्रांजेक्शन अमाउंट पे पेनल्टी लग जाएगी। ट्रांजेक्शन अमाउंट के पेनल्टी का मतलब आप समझते हैं, सब पे जितने अमाउंट बन जाएगा वो, और जिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल ने और पर्टिकुलर पर्सन ने उसको अबेट किया उस पे भी लग जाएगी उतनी पेनल्टी। तो सबसे डेंजरस सेक्शन एक जो मुझे आज की तारीख में पूरे पेनल्टी सेक्शन में लगता है वो 271AAD है। अरविंद दातार साहब ने, धमीजा जी, अपनी किताब में लिखा है, बड़े विद्वान वकील है हमारे देश के, कि ये सेक्शन प्रामा फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 271AAD। मैं उनकी किताब से बता रहा हूँ, उनका मानना ये है कि जो अगर मान लीजिए किसी की कोई इनकम ही नहीं है, फॉल्स एंट्री कर दी रहा जमीन, पावा जी मैंने किसी ने फॉल्स एंट्री कर दी सर समझिए, और उस फॉल्स एंट्री में उसका इनकम 1% भी नहीं है, तो क्या पेनल्टी अमाउंट पूरा हो सकता है 100%? इनकम टैक्स एक्ट की पेनल्टी 271AAD की क्या मच बियॉन्ड इनकम जा सकती है? प्लेन रीडिंग में तो जा सकती है सर, डिपार्टमेंट को बता दे। This is typical, sir. I'm telling you, you understand why I'm saying. Supposing, but that's a very important thing because the principle of proportionality is there. You know, you have a point. आप बिल्कुल सही point पूछ रहे हो। Proportionality का नियम क्या कहता है जो संविधान से निकलता है? Proportionality का मतलब जितना offense उतनी penalty. तो proportionality का नियम तो penalty प्रावधान में सबसे ज्यादा लागू होगा, और कहाँ लागू होगा? आप सोचिए, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा है हमारे देश के, सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने बोला है, क्या ये सेक्शन 271AAD, मान लीजिए आपने 100 रुपए की एक लाख रुपए की एंट्री करी, गलत कर दी, फॉल्स एंट्री कर दी मान लिया, उसमें आपके इनकम शून्य है, तो क्या आप पे 1,00,000 रुपए का दंड लग जाएगा? जमीना जी, सर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाओ ना, दातार साहब ने भी लिख दिया। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, डी मिनिमिस स्मॉल, मिनियन, मिनियन समझते हैं, मिनियन, MINION, बट आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। बट इस व्हाट यू आर सेइंग इज इट कैरीज अ वेरी वेरी फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड इट, एंड इफ द लॉजिक इज करेक्ट, तो जैसे उन्होंने सर इनकम टैक्स में, नहीं एक बात पूछ रहे सर इनसे, डिपार्टमेंट से, कि भैया लेजिस्लेचर से, कि आपका इनकम टैक्स में मतलब लोगों को, जैसे पीएमएलए लॉ अलग है, बेनामी लॉ अलग है, ब्लैक मनी लॉ अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में आपको इनकम से टैक्स को रेगुलेट करने से मतलब है, या उसकी ट्रांजेक्शन के ऊपर जो उसका ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो ले लेने से मतलब है? वो सब मिक्स कर दिया, उसको इधर भी खींच के ले आए हैं। आपको पता है, आपको पता है धमीजा जी, मैं कंफ्यूज टेक्निकल नहीं करना चाहता था, 271AAD को आप कंपेयर करना 270 सब सेक्शन 9 मिस रिपोर्टिंग से, आपको क्या लगेगा? कुछ चीजें 270 है, सब जो फॉल्स एंट्री उन्होंने 270 मिस रिपोर्टिंग में लिखी है वही फॉल्स एंट्री उन्होंने वहां लिख दी 271AAD में। अब कौन किसको प्रिवेल करेगा, कौन किसको ओवरराइड करेगा, ये लीगल इशू चलता रहे। हाँ तो वो तो एक फिर वो डबल वॉर हो गया ना, यहाँ आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? एब्सोल्युटली राइट, मिस रिपोर्टिंग है और ये जो फॉल्स एंट्री वाला पेनल्टी वाला अलग सेक्शन है, ये ओवरलैपिंग है दोनों, और वहां पर 200% पेनल्टी है मिस रिपोर्टिंग की, और यहाँ 271AAD में ट्रांजेक्शन पे पेनल्टी है, बताइए कौन लगेगा? दोनों लगेंगे,
तो कैसे एसएससी जिंदा रहेगा अगर दोनों लग गए तो सर? सॉरी, क्या एसएससी जिंदा रहेगा दमिदा जी अगर दोनों? चलिए मैं अपनी शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, 7:05 हो गए राजेश बाबू, सब उन्हें पता नहीं कहाँ कैमरा अपना ऑफ कर दिया, बट मैं सर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नहीं जाना पड़ा, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। क्वेश्चन करेंगे कुछ की वाइंड अप करना? हाँ नहीं नहीं सर, क्यों नहीं सर, जो जिसका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को तो आपको पता है, ये तो मैंने क्योंकि राजेश बाबू को वचन दिया था कि मैं 7 तक ऑफ कर दूंगा, अभी भी मैंने 5 ज्यादा ले लिया, आई एम सॉरी फॉर। अरे नहीं सर, वी आर थैंकफुल कि आपने एक्स्ट्रा टाइम अपना निकाला है, बल्कि इतने सारा दिन के बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 2 लगातार नॉन स्टॉपिंग अपना डेलिब्रेशन दी है। इट वॉज सर, जो आपकी जो पेनल्टीज का शुरुआत करी ना कि पेनल्टीज होती क्या है एंड व्हाट इज द थिंग कि कहां पे लगेगी या नहीं लगेगी, दैट वाज ट्रेमेंडस। अदरवाइज कंसेप्ट इज पेनल्टी का जो डिफरेंस बनाया ना हमने कि रेवेन्यू निकालना है कि पेनल्टी लगानी है। मैं बताऊं सर पावा जी आपको, आप बुरा मतलब मैं अपनी हम्बल बता दूं, घर में बैठे हम लोग सब, तो मेरा सबमिशन मैंने कोई नए, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से नेचुरल तरीके से, क्योंकि मैं टायर्ड भी था सूर्य से कूट गया हुआ था, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल जैसे मैं नेचुरली, मैंने कोई नोट नहीं बना रखे थे ऐसे, तो मैंने बिल्कुल जैसे एक नेचुरल तरीके से बोलते हैं वैसे ही बोला। पर यही तो आपकी कला है बोलते हो तो जो सुनते भी है वो अंदर बैठा हुआ खिल नहीं सकता सीट में से उठ के भी जाए, तभी आप देखो हमारे सारे सुनने वाले भी सब बैठे हुए 2 से, छोड़ने वाले कम रहे। सर जिनका हाथ खड़ा करना है उनका क्यूरी ले लीजिए सर, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर मुझे एक मिनट देखता हूँ। 5 पार्टिसिपेंट्स हैव, 6 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड सर। दमिजा जी आपको और हमें हेल्प कर मॉडरेट करना पड़ेगा सर। मैं सर थोड़ी सी माफी चाहूंगा, मेरा ना कुछ चार्जिंग में दिक्कत आ रही है और वो बंद होने वाला है। नो प्रॉब्लम सर, मैं ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन आंसर में 2 तो नजर आ रहे हैं सर, ठीक अजिंदर बाबरा, उनका अजिंदर बाबरा उनको ओपन कर दीजिए सर। कौन है बाबरा जी? मुझे इधर से नजर नहीं आ रहे हैंड्स जो है। एक है कृष्ण उपाध्याय, एक अमित कुमार गुप्ता, एक भुटानी जी और एक रस्तोगी जी, इनमें जो भी सर जो भी हैंड रेज कर ओपन कर रही है। एक्चुअली उनको जाना पड़े तो मेरे पास वो नहीं है इस टाइम, तो सर उनको जो कैसे करें उनको बोलिए जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, फिर वो लिख के भेज दें, फिर हम चैट बॉक्स से ले लेंगे। चैट बॉक्स में देख लेते हैं, उसमें चैट बॉक्स में एक मदन है मदनानी साहब का, इफ नो आईटीआर वाज फाइल्ड असेसमेंट 2 वाज अंडर 144 नेक्स्ट टैक्स पेबल स्टैंड्स एट टोटल टैक्स पेबल माइनस टीडीएस प्लस इंटरेस्ट एज नोटिस ऑफ डिमांड अंडर द नेक्स्ट टैक्स एट टोटल टैक्स पेबल। माय क्वेश्चन इज वेदर पेनल्टी इंपोजेबल अंडर 271(1)(c) वुड बी ग्रॉस टैक्स पेबल और आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ऑलरेडी अवेलेबल, आफ्टर ऑलरेडी अवेलेबल दैट इज द नेक्स्ट टैक्स पेबल एज पर नोटिस ऑफ डिमांड, प्लीज एडवाइज। सी मदनानी साहब, सी if you are asking me Sukhdev ji that what is the right amount on which 271(1)(c) penalty has to be levied, then you have to go to section 271(1)(c) and find out the definition of tax ought to be evaded. Tax ought to be evaded ki apni ek paribhasha di hui hai 271(1)(c) ke andar, to madanani sahab aapko usko apne fact ke sath coalesce karna padega, jitne facts aapki query se mujhe nazar aa rahe hain to wahan par tax ought to be evaded aise nikala jayega sir ki जो आपने इनकम आपकी जैसे फाइल नहीं थी आईटीआर, जो एडिशन उन्होंने किया उसके ऊपर जो लायबिलिटी है टैक्स की वो प्राइमा फेसाई दैट इज द टैक्स ऑट टू बी वेरीड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर, दैट इज अ ग्रॉस टैक्स पेबल, सो यू हैव टू गो टू टैक्स ऑट टू बी वेरीड डेफिनेशन अंडर 271(1)(d) दैट इज 11(c). पावा जी हमें क्लियर? करेक्ट सर। ठाकुर साहब आस्क्ड मी से क्वेश्चन दैट इफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 271(AA) for immunity not responded within 1 month then whether it should this is a very sweet question. देखिए ठाकुर साहब मेरे ओपिनियन में तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी भावना और आपकी भावना तो मैच करती है, बट कानून भावना से नहीं चलेगा, बट हाँ उसकी जो 270(AA) subsection 4 में जो टाइम लिमिट दी हुई है ब्रदर, उसका पर्पज ही यही है कि वो अगर नहीं करता है तो इसका मतलब इट इज डीम टू बी ऑटो अलाउड, बट आपको ऑटो अलाउड का कोई ऐसा प्रोविजन अभी मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, आप उनको रिमाइंडर डालते रहिए, रिमाइंडर डालना चाहे डाल दीजिए, और अदरवाइज
आप ये ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वन मंथ का टाइम फाइनल है, वहां पर कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ ठाकुर जी कि वो 270AA सबसेक्शन 4 में अगर एक महीने में आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करता तो वो टाइम बढ़ सकता है। तो मेरे मानने में तो सर वो जब एक महीने पूरे हुए, क्योंकि ये इशू उसमें भी आया था पहले बहुत बार पावा जी, जैसे 12AA की एप्लीकेशन जो है वो 6 महीने में अगर नहीं करी गई तो उसका क्या स्टेटस होगा, तो काफी हाई कोर्ट्स ने इंडिया में ये कहा कि अगर वो नहीं होता तो वो डीम टू बी अलाउड माना जाएगा। हालांकि पेनल्टी का ये एप्लीकेशन वाला आपका उससे भी ऊपर है ठाकुर जी। तो मेरा ओपिनियन ये है, हम्बल ओपिनियन रिस्पेक्टफुल सबमिशन, कि अगर एक महीने में आपका नहीं किया गया तो यू कैन ट्रीट इट इज डीम इट इज अलाउड, बट देर इज नो सच प्रेसिडेंट टू माई नॉलेज एज ऑन डेट ऑन दिस पॉइंट ऑफ वन मंथ के अंदर नहीं करता तो मान लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर हो गए सर, और क्वेश्चन कौन से किसी ने लिखे देखिए सर चैट बॉक्स में। कोई सर पूछा ए के मेहता जी ने, इमोबाइल प्रॉपर्टी इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी सोल्ड इन दिल्ली थ्रू एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, कैन एनी पेनल्टी बी इंपोज्ड? इसमें तो कुछ नहीं 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 सर, दोबारा पढ़ना सर थोड़ा, सॉरी। इमोबाइल प्रॉपर्टी इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी सोल्ड इन दिल्ली थ्रू एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, कैन एनी पेनल्टी बी इंपोज्ड? देखिए क्या है, अगर आपने इसके दो भाग हैं, एक तो ये एग्रीमेंट टू सेल से हुई है क्योंकि वहां शायद सेल डीड नहीं हुई या सेल डीड आपने नहीं कराई, अगर सेल डीड नहीं है तो आप थोड़ा सा नीचे आ गए मतलब फैक्ट्स के स्ट्रेंथ पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन करी है उन पर पेनल्टी लगी जाएगी। उसमें भी ये देखा जाएगा पावा जी की जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन, रीजनेबल कॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या ये पेनल्टी डिपार्टमेंट ने असेसमेंट के थ्रू इनिशिएट करी है या डायरेक्टली इनिशिएट कर दी है, वो तीनों फैक्टर फिर भी रहेंगे। रीजनेबल कॉज आप बता सकते हैं सेक्शन 273 बी में, रीजनेबल कॉज आप ये बोल सकते हैं कि बायर इंसिस्टेड, एम आई विद यू सर, प्रैक्टिकल कोई भी कॉमर्शियल रीजन, प्रूडेंट सेंस, और दूसरा आप ये बता सकते हैं कि साहब आपका जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन है, सामने वाला पार्टी कंफर्म कर रहा है, उसके सोर्सेस क्लियर है, डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसने पैसा दिया है उसने अपने अकाउंटेंट सोर्स से दिया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चेक से दिया स्पेशली। तीसरा पॉइंट कि बिना असेसमेंट में आपने उसको डायरेक्टली इनिशिएट कर दिया, तो इन सबको मिश्रण करके आप बोल सकते हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी वाला पॉइंट। अगर सेल डीड होता तो वो बिल्कुल बाहर हो जाता मेरे हिसाब से, पर एग्रीमेंट टू सेल है तो वो पेनल्टी के लिए एक बार इनिशिएट अगर हो भी गया तो भी असेसमेंट ऑर्डर के थ्रू होना जरूरी है पेनल्टी इनिशिएट। और रीजनेबल तो पेनल्टी किस चीज की लगी? नहीं नहीं सर, असेसमेंट ऑर्डर में वो ये लिखेगा पावा जी कि उसने इस ट्रांजेक्शन को देखा, उस ट्रांजेक्शन को पाया कि ये सेक्शन 269 एसएस के उल्लंघन में है, तो उसने 269 एसएस का पेनल्टी इनिशिएट किया। डू यू नो जो 6 महीने 275 में इस पेनल्टी के लिए वो कहां से काउंट होंगे? वो असेसमेंट ऑर्डर से काउंट होंगे। मान लीजिए असेसमेंट ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो 6 महीने कहां से काउंट होंगे? आप समझ गए मेरी बात? तो वो जो मोता जी का क्वेश्चन आई बिलीव इज आंसर, रीजनेबल कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है 273 भी, और जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और जो सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 19/2015 जिससे अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 15, वो भी नोट कर लीजिए, सर्कुलर नंबर 19/2015 दैट ओनली बोगस ट्रांजेक्शन विल कम, नॉट जेन्युइन ट्रांजेक्शन। एक क्वेश्चन और है सर, एडवोकेट कृष्णा जी का, आई हैव फाइल्ड अपील अगेंस्ट अंडर सेक्शन 147 नोटिस अंडर सेक्शन 278 272A1 271AAC1 also issued, whether appeal against those notices also be required to file, whether any appeal against those notices also required? No. आप तो सब नोटिस के लिए यही बोलेंगे कि उसको अबेंस में रखा जाए जब तक आपकी असेसमेंट अपील डिसाइड नहीं हो जाती, और उसके लिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का एक मोहर ट्रेडिंग का MOHAIR मोहर ट्रेडिंग का जस्टिस ए के सीकरी का एक फैसला आपको बता दिया 345 ITR। और तो मेरे ख्याल से सर कोई है नहीं इसमें जो चैट बॉक्स में, और कोई है मेरे को भी नजर नहीं आ रहा, फिर भी आप कोई और क्वेश्चन किसी का होगा तो सर मेरे को यू नो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनी ऑफ माय गुड फ्रेंड्स सर। हाँ बिल्कुल सर, कैन पेनल्टी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं एक सेकंड, सॉरी राजदेश जी, ये पूछ रहे कोई सेक्शन 271DA की जो पेनल्टी है वो बिना असेसमेंट के लग सकती नहीं लग सकती? देखिए 271DA की पेनल्टी, 271DA 269ST नहीं लग सकती सर, मैंने बता दिया 379 ITR 521 जयलक्ष्मी राइस मिल्स, आप वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अमित जी पढ़ लें, उसकी एनालॉजी यहाँ लगेगी, बिना असेसमेंट के आप पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं, और उसी से 6 महीने काउंट होंगे, वो पावा जी को मैंने अभी भी दोबारा एक्सप्लेन किया था।
आगे बताता हूँ चलिए क्या है. और ड्यूरिंग द भूटानी जी पूछ रहे ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग द असेसी नोटिस दैट ही हैज नॉट कंसीडर्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. द असेसी फाइल रिवाइज कंप्यूटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अलॉन्ग विद टैक्स ड्यू आफ्टर इशू एओ इशूड शो कॉज नोटिस आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिवाइज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड एओ पास पेनल्टी ऑर्डर इन इनफो. सबसे यही ये सबसे रॉन्ग एक्सट्रीम केस है भूटानी जी. ये क्या फैक्ट्स बता रहे हैं पावा जी कि आपने अपने आप बिना शो कॉज आए हुए पहले उसको रिवाइज कंप्यूटेशन करके दे दिया और उसमें टैक्स भर दिया और उसके बाद उन्होंने शो कॉज दिया और उसकी असेसमेंट कंप्लीट करी और उसमें 2000% 200% का टैक्स लगाकर उन्होंने कंप्लीट कर दिया. सी टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ क्लासिकल केस विच विल फॉल दैट यू हैव करेक्टेड योरसेल्फ बिफोर डिटेक्शन बिफोर शो कॉज नोटिस एंड सो यू कैन नॉट बी इम्पोज पेनल्टी. इस पे दिल्ली हाई कोर्ट के और बहुत सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं बट लीडिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का एक सुरेश चंद मित्तल है 251 ITR 19. तो भूटानी जी आप उसको रेफर कर लें. और एक दो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है हर नारायण करके उसमें ये लिखा था हर नारायण के केस में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सीकरी ने कि अगर आप कोशनेर स्टेज के बाद और शोको स्टेज से पहले किसी चीज को सरेंडर कर देते हैं तो उस पर 271(1)(c) का कंसीलमेंट नहीं माना जाएगा. वही एनालॉजी मेरे हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट के हर नारायण के केस की 270(a) पे भी लागू होगी क्योंकि आपका कंडक्ट बोनाफाइड और फेयर हो. एम आई क्लियर सर बाबा जी? हाँ जी सर. और कोई क्वेश्चन सर? बस मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन नहीं बताया सर. I have tried to take all the questions. Thank you, sir. It's so nice to hear you after a, now it's after a quite long time. दो तीन महीने के बाद मेरे ख्याल से आपसे. नहीं 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 मैं तो पिछले महीने भी इन्होंने बुलाया था पर वो जून के बिगिनिंग में था. मई के अंदर भी दो बार आया था. मेरे को तो क्या रहता है कि कोई ना कोई राजेश जी के साथ आप लोगों से मिलने का मन करता रहता है. जनरली मेरे साथ थोड़ा सा समस्या रहती है आपको पता है फैमिली की. मैं पहले भी शेयर करा हूं आप लोगों को तो मैं मेरे पास और ज्यादा समय कई बार नहीं होता ऐसा. तो मैं जनरली बस अपना समय कैलकुलेट करके इसी पोडियम पे दे पाता हूँ. आपने आज सारा दिन हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी जो डेलिब्रेशन एनर्जेटिकली आपको पता है पावा जी मैंने कहना चालू कर दिया. मैंने कहना चालू कर दिया बड़ी विनम्रता से और फिर दोबारा कह रहा हूँ कोई इस बात को अदरवाइज ना ले. मुझे दमीजा जी अगर किसी को सुनना है तो राजेश अग्रवाल जी के प्लेटफॉर्म पे आ जाए. मेरे से और बार बार और जगह आकर नहीं बोला जाता. मेरे साथ कुछ अपनी फैमिली की समस्या है मेरे बच्चे की और मेरी बीवी की. तो इसलिए यही चैनल है जहां मैं अपने मन की बात कह लेता हूं. यही मेरा मन की बात कहने का एक सर्व. थैंक यू सर. सो नाइस ऑफ यू. राधे राधे. वी आर थैंकफुल टू यू सर. राधे राधे. मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है. नो प्रॉब्लम सर. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. मेरा चार्जिंग बीच में ट्रबल कर रहा है.